हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग पीपल हाउ आर यू कैसे हैं भाई हेलो हेलो आर वी देयर आर वी लाइव प्लीज चेक आई कैन नॉट सी माई सेल्फ येट तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ अटेंडेंस लगा लो हेलो हेलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चों हाउ हैव यू बीन हेलो 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 बच्चों हेलो यस ठीक है भाई ठीक है बहुत सारे लोग आ चुके हैं ठीक है चलो भैया अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म कर दो ठीक है हाँ बढ़िया 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 वेरी गुड वेरी गुड चलिए तो लेट्स गेट कनेक्टेड गाइस आज अपन लोगों को एनसीआरटी जो है उसको डी करना है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एनसीआरटी बट बेटा बहुत बड़ा चैप्टर है इट मे टेक टू क्लासेस फॉर अस एज वेल यानी आज की क्लास कल की क्लास दो क्लासेस भी जो हैं वो हमारी आज लग सकती हैं तो ध्यान रखना ठीक है।, है हाँ आज की क्लास कल की क्लास दोनों लग सकती हैं एनसीआरटी इंपॉर्टेंट है इस वाले चैप्टर की और यहाँ से बहुत बढ़िया बढ़िया जो क्वेश्चन हैं थ्योरी के और न्यूमेरिकल जो हैं वो आप लोगों के फॉर्म हो सकते हैं न्यूमेरिकल्स अपन लोगों ने सब कवर कर लिए हैं इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट और इससे पहले जो अपन लोगों ने नौ लेक्चर्स पढ़े इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के उसमें बहुत ही जबरदस्त वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को देख कर अगर आप कोई भी दुनिया का एग्जाम देने जाते हो आपका सवाल नहीं अटकेगा समझ गए इस तरह की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप लोगों ने पढ़ लिया तो डोंट वरी अबाउट दैट ठीक है इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी लो सर बिल्कुल लिए जाएंगे बेटा प्रणव डोंट वरी अबाउट दैट ठीक है बिल्कुल बिल्कुल लिए जाएंगे गुड मॉर्निंग बच्चों गुड मॉर्निंग हम्म ठीक है हाँ जी डोंट वरी अबाउट द इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड एवरीथिंग मैं सब आप लोगों को मार्क कराऊंगा आप लोग बस इतना सा काम कर लो कि एनसीआर टी साथ लेकर बैठ जाओ जो भी एनसीआर टी बेटा साथ लेकर नहीं आया है वो लोग प्लीज लेकर आ जाओ ठीक है गुड मॉर्निंग बी नेगेटिव किडनी धारक जगत पापा जी गुड मॉर्निंग निश्चल जी हम्म चलो आओ इधर गुड मॉर्निंग बच्चों गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग हाँ जी चलिए तो आज डी कोड एनसीआरटी की बारी है और जब तक आप लोग अपनी एनसीआरटी उठाकर ला रहे हैं तब तक मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूं हमारे सीरीज के बारे में कुछ मेरे बारे में जो लोग पहली पहली बार जुड़ रहे हैं तो बच्चों मैं निपुण मित्तल हूँ आपका अपना एनएम सर बाला सर ठीक है कोटा में रहता हूं कोटा से ही आप लोगों के लिए लाइव हूं और बहुत सारी सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंक्स को पिछले 11 साल के अंदर पढ़ा चुका हूं इस एक्सपीरियंस को अब आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूं जिससे आप लोग पूर्ण रूप से इस एक्सपीरियंस का फायदा उठा के मेरे साथ में आगे बढ़ सकें और जो टॉप रैंकर्स जो एवरेज स्टूडेंट जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स आगे आए और अपना सिलेक्शन करवा पाए अपने ड्रीम कॉलेजेस के अंदर पहुंच पाए उन वाले कॉलेजेस के अंदर आप लोग भी पहुंच पाए तो आशा करता हूं अब ऑनलाइन से हमें बहुत जोरदार जो रैंक्स है बेटा वो मिलने वाली है ठीक है जी हाँ आम, लेट्स क्रैक नीट यू जो हमारा चैनल है वहाँ पर तो हम पढ़ी रहे हैं साथ साथ बच्चों आप लोग अगर आना चाहते हैं मेरी पर्सनल मेंटरशिप में और चाहते हैं कि उस तरह की मेंटरशिप आपको मिले जो मैंने उन बच्चों को दी थी जो बिलो एवरेज या अब एवरेज या एवरेज स्टूडेंट्स हुआ करते थे जिन्होंने अपनी रैंक्स अचीव की जिन्होंने अपने ड्रीम कॉलेज अचीव किए मेरी पर्सनल मेंटरशिप के अंदर रह के तो उस केस में आपको बेटा गेट सब्सक्रिप्शन जो है वो करना पड़ेगा यानी कि आपको सब्सक्रिप्शन जो है बच्चों वो बाय करना पड़ता है सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारे पेड प्लेटफॉर्म का होता है ये मैं आपको बता दूं पेड प्लेटफॉर्म की खास बातें क्या हैं बेटा डेली लाइव क्लासेज होती हैं जिसमें इंट्रैक्शन लेवल टू वे होता है मतलब यहाँ तो क्या होता है आपके जो कमेंट्स हैं वो निकल जाते हैं बहुत सारे अर्जी फर्जी निब्बा निब्बी वगैरह सब लोग मौजूद होते हैं यहाँ पर निब्बा निब्बी कुछ नहीं होता है यहां पर तो ऐसा होता है कि मैं अगर किसी को ब्लॉक कर दूं तो परमानेंटली ब्लॉक है फिर वो फिर वो कभी आ ही नहीं सकता अन अकेडमी प्लेटफॉर्म से ब्लॉक हो जाता है स्ट्रिक्ट रूल्स डिसिप्लिन फाइन ठीक है एक्सटेंसिव hmm. सिलेबस का कवरेज होता है डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं आफ्टर एवरी थ्री क्लासेस लेक्चर नोट्स आपको एज इट इज मिल जाते हैं वीकली मॉक टेस्ट होते हैं और बेटा अनलिमिटेड कोर्सेज होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जिसको भी ऐसा लगता है कि खाली फिजिक्स मिलेगा एनएम सर का कोड यूज करने पर तो ऐसा नहीं है सब कोर्सेज जो है वो आप लोगों के लिए ओपन हो जाएंगे ऑल द कोर्सेज विल बी ओपन फॉर यू पीपल डोंट वरी अबाउट दैट ठीक है हाँ जी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एक पर्सनल कोच अलॉट हो जाता है बेटा ये जो पर्सनल कोच होता है ये आपके सभी दुख दर्द सुन के टेस्ट एनालिसिस करता है स्टडी प्लानर बना के देता है और बताता है कि ऐसे ऐसे पढ़ाई करो एंड रिसर्च प्रूव दैट मोर सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी जो होती है आपकी हो जाती है मतलब 70 प्रतिशत चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं सिलेक्शन के इफ यू आर अंडर सम प्रॉपर गाइडेंस समझ गए 70 परसेंट तक तो बढ़ ही जाते हैं अब वो 30 परसेंट आपके ऊपर है कि आप क्या कर पाते हैं यानी 70 परसेंट इनपुट जो है वो आपके मेंटर का है वहां पर ठीक है अन अकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करके मुझे वहां पर फॉलो कर लीजिए प्ले स्टोर पर ऐप जो है वो मिल जाएगी प्लस ये आइकॉनिक जो भी आप लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं नीट यूजी में उसमें आइकॉनिक बेटा अगर आप देखते हैं तो सिक्स मंथ इस समय वही सजेस्टेड है क्योंकि नीड जो है वो बेटा जुलाई तक प्रॉबेबली जो है वो शिफ्ट हो जाएगा तो इस समय आप लोग सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो जनवरी फेबररी मार्च अप्रैल में जून है ना जून में भी अगर एग्जाम होता है तो भी आप लोगों को बेटा छः महीने का सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड है क्योंकि एंड में बहुत सारी टेस्ट सीरीज वन शॉर्ट वीडियोज रिविजन क्लासेज एंड ईच एंड एवरी थिंग प्लस के ऊपर हो रही होती है बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग टीचर्स के साथ में बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग टेस्ट सीरीज चल रही होती है तो इसलिए इट इस इज़ बेटर टू तो गो फॉर द सिक्स मंथ कोर्स राइट नाउ आइकॉनिक में भी अगर जाते हैं तो और एन एम सर कोड लगा के लीजिए जिससे थर्टी फोर थाउजेंड रुपीज का आपको पड़े साथ में जो एक्सपी पॉइंट्स होते हैं स्पेशल क्लासेस और टेस्ट वगैरह अटेंड करने के वो भी इसके अंदर आपके ऐड हो जाते हैं और इसमें ई एम आई ऑप्शन वगैरह जो है वो भी सब होते हैं ठीक है प्लस जो है वो थोड़ा ज्यादा इकोनॉमिकल है इससे जो वहां छः महीने की कॉस्ट है यहां पर बेटा उतने में एक साल का सब्सक्रिप्शन जो है वो आ जाता है ठीक है तो तीन महीने का प्लस जो है वो आपको पंद्रह हजार का रहता है छह महीने का प्लस पच्चीस हजार रुपए का अगर आप लोग एनएम सर कोड यूज करते हैं तो ठीक है हाँ एनएम सर कोड लगाइए यहां पर मेरे साथ में जुड़ जाइए जिससे कि आप लोगों को लाइफ लॉन्ग फायदा जो है वो अब मिलता रहे छह महीने तक आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब कुछ देख सकते हैं बाय द टॉप एजुकेटर्स विच आर टीचिंग ऑन दिन अकेडमी प्लेटफॉर्म कोटा और भारत के सत्तर से अधिक टीचर्स जो यहां पर इस समय पढ़ा रहे हैं ठीक है उन सबके लेक्चर्स आप लोगों के लिए ओपन हो जाते हैं लाइव एंड एवरी इज टीचिंग लाइव ऑन दैट प्लेटफॉर्म सबसे जोरदार बात तो ये है ठीक है उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आज पढ़ा दिया उसके बाद में कल तुमको नजर आ रहा है हाँ इफ़ यू हैव मिस्ड अ क्लास तो वो रिकॉर्डेड क्लास रहती है ठीक है और बाकी जब आप मेरा कोड लगा के आओगे तो सारे डाउट्स वगैरह भी पूछ सकते तो इस हो इससे बढ़िया क्या हो सकता है तो वंस यू आर यूजिंग द कोड यू आर इन द स्टार बैच जो टेलीग्राम के ऊपर हमारा एक बैच बना हुआ है कोटा का सारा स्टडी मटीरियल आपको मिल जाता है आपको डीपीपीज मिलती हैं डाउट्स आपके ग्रुप के ऊपर सॉल्व होते हैं यू एनरोल इन टू द टेस्ट सीरीज एज वेल आपको मिल जाती है मेरी पर्सनल मेंटरशिप विच इज द बिगेस्ट थिंग विच यू रिक्वायर्ड गाइज ठीक है हाँ और स्पेशल क्लास का जो टाइम है वो हम लोग रखेंगे बेटा नौ बज के पंद्रह मिनट का जिसके अंदर आज हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे बेटा थर्मल एक्सपेंशन ठीक है वील बी स्टार्टिंग थर्मल एक्सपेंशन टू आज ये चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं वही कोई मुझे ये नहीं बोलेगा सर ये इलेवेंथ तो बेटा ट्वेल्थ है तो इलेवेंथ भी आप लोगों का साथ साथ चल रहा है तो डोंट वरी अबाउट दैट ठीक है हाँ है? है ना है ना हम्म तो ये वाली बात ध्यान रखिए और मेरे साथ में जल्दी से जुड़ जाइए ये हमारा बेटा टेलीग्राम का चैनल है एट द रेट एन एम सर फिजिक्स इस वाले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहां पर क्लासेस का जो भी शेड्यूल वगैरह होता है यहीं पर मैं आप लोगों को भेज रहा होता हूं तो इस वाले टेलीग्राम चैनल को जरूर से सबको सब्सक्राइब कर लेना है प्लीज डू सब्सक्राइब टू तो दिस टेलीग्राम चैनल इन एनी केस ठीक है ना बेटा जो मेरे कोर्सेज हैं वो भी मैं आपको बता दूं अभी शुरू हुए हैं दो दिन पहले तो जल्दी से एनरोल कर लो एक कोर्स चल रहा है बेटा कैपेसिटर मैग्नेटिज्म का ठीक है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स 1.5 की क्लासेस होती हैं 6 जनवरी को ही शुरू हुआ है आज इसकी सेकेंड क्लास है इसके अंदर जब भी आप एनरोल करते हैं तो यूज द कोड एनम्स सर ये बेटा प्लस कोर्सेज हैं ठीक है थीके? इसके अलावा मैं आपको बता दूं तो एक कोर्स कंप्लीट मैकेनिक्स का शुरू हुआ है विच फॉर्म्स थर्टी ऑफ द सिलेबस राइट तो जब भी आप लोग कोड यूज करेंगे यहाँ पे वो क्या यूज करेंगे बेटा एन एम सर कोड यूज करेंगे और इस वाले कोर्स के अंदर भी अपने आप को एनरोल कर लेंगे इस महीने हम लोग इसमें काइनामेटिक्स एंडलम फ्रिक्शन करने वाले हैं और मार्च तक हम लोग पूरा का पूरा जो मैकेनिक्स है वो पूरा खत्म कर दें तो अगर आप तीन महीने का सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं तो आपका ट्वेल्थ का पोर्शन यहाँ पे और इलेवेंथ का पोर्शन यहाँ पे पूरा का, पूरा का पूरा कवर हो जाएगा तो आपको चिंता करनी ही नहीं है वेन आई विल बी देयर सो डोंट वरी एट ऑल ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा ठीक है राइट दो कोर्सेज चल रहे हैं प्लस पे जरूर से जुड़ जाएं इसके अलावा बेटा एक नीट का टारगेट बैच जो है वो भी शुरू हुआ है ठीक है ये ये वाला बैच जो है है ऑफ जनवरी से ही शुरू हुआ ड्रॉपर्स के लिए बैच है बेटा पर्टिकुलरली तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन इस वाले बैच के अंदर अपने आप को ज्वाइन करिए और जोरदार वाली जो पढ़ाई है उसको शुरू कर दीजिए इफ यू आर ज्वाइनिंग दिस बैच देन ऑल्सो यू कैन यूज द कोड एन सर और मेरी पर्सनल मेंटरशिप के अंदर आप लोग अब भी आ सकते हैं ठीक है बच्चे लोग राइट ओके चलिए भाई तो आज की जो बात करनी है आज की जो बात है वो असली में किसकी है बेटा आज की बात तो एन की है हम्म आज की बात किसकी है बेटा एन की जो बात है वो आज हम लोगों को करनी है तो चलो भाई एन पढ़ी जाए है ना सब लोग हाँ है ना <sorat> हम्म ठीक है हाँ बेटा डी पी पी डाउट्स वगैरह उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो लोग क्लासेस के अंदर नजर आते हैं और स्टार बैच के मेंबर होते हैं सब लोगों को नहीं मिलता है तो जो लोग कोड लगा के आते हैं उन लोगों को ही उस वाले बैच के अंदर ज्वाइन किया जाता है ठीक है आ जा है भाई एनसीआर हाँ। तो टी खुल जा सिम सिम चलो भैया आज तो बहुत जोरदार वाला दिन है आज तो एन सी आर टी पड़ेंगे जबरदस्त आओ भाई आओ तुम लोगों ने निकाली के नहीं एनसीआर टी लेकर आ गए क्या आ जाओ ना शेरिंग कैन ऑल कम टू गी नाइस टू एवरी वन पॉ पॉप देखो बेटा ट्वेल्थ का पहला पहला चैप्टर है ना इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के नाम से है इसी वाले चैप्टर को अभी अपने को पढ़ना है ठीक है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पहले ही बता दूँ देख इट्स अ लॉन्ग चैप्टर ठीक है इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रिक चार्जेस कंडक्टर इंसुलेटर इंडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कूलम्स लॉ मल्टीपल चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फ्लक्स डाइपोल डाइपोल कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गॉस लॉ एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ अभी खत्म नहीं हुआ है इसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी है बेटा तो पोटेंशियल पॉइंट चार्ज डाइपोल सिस्टम ऑफ चार्ज इक्वी पोटेंशियल सर्फेस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स एंड डाई इलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन तो यहाँ तक का जो ये चैप्टर है बेटा मौजूद है तो अगर आप देखेंगे ना एनसीआर के अंदर तो पहले तो देख के ही डर लग जाता है कि बाबा रे इतना बड़ा तो इट्स अ लॉन्ग चैप्टर गाइज डोंट वरी इट्स अ लॉन्ग चैप्टर बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है तो मैं आज आप लोगों को वो भी मार्क करवाऊंगा जो बच्चे हमारे ट्वेल्थ वाले बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं ठीक है तो उन बच्चों को मैं प्रूफ भी जो है वो भी आपको मार्क कराऊंगा कि ये ये प्रूफ आपको करने हैं जबरदस्ती ये प्रूफ आपको नहीं करने है ये बात ध्यान रखना ठीक है हाँ तो इट्स अ लॉन्ग चैप्टर गाइज यस इट इज अ वेरी लॉन्ग चैप्टर जिसे हम लोगों को खटाखट पढ़ना है तो दस आर्टिकल तो इधर हो गए और दस आर्टिकल के साथ में पंद्रह आर्टिकल इधर हो गया बेसिकली ट्वेंटी फाइव आर्टिकल्स के साथ में ये वाला जो चैप्टर है आप लोगों का बनता है ठीक है इट फॉर्म्स ट्वेंटी फाइव आर्टिकल्स हियर है ना चलो आओ तो देखते हैं कैपेसिटर बेटा करंट के साथ में हम लोग करेंगे तो उसकी आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो अभी अपने को जो करना है वो तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स हैं तो चलो भाई शुरू हो जाओ मार्क करना सब लोग तैयार रहिए जिससे कि हम लोग सारी चीज़ों को कर सकें और पढ़ सकें ठीक है बड़े हो जाओ तुम कैसे और बड़े हो गए कहाँ अटक गए ये देखो भाई हाँ मेरे हिसाब से आई थिंक दिस फॉन्ट इज विजिबल टू यू राइट और रॉन्ग छोटे हो जाओ बड़े हो जाओ <laughs> कितना आसान है ना छोटा और बड़ा इसके अंदर करना चीज़ों को है ना हाँ इज दिस विजिबल फॉन्ट का क्या ये फॉन्ट आप लोगों के लिए विजिबल है जल्दी बताओ हम्म hmm. बोलो 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 ये फ़ॉन्ट बेटा विजिबल है उसको कॉम्प्लान खिलाओ <laughs> क्या ये फ़ॉन्ट विजिबल है बच्चों सब लोगों को hmm. जल्दी बोलो जल्दी बोलो विजिबल यस एवरीवन कैन सी राइट 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 तो बेटा हाईलाइटर लेकर बैठिए हाईलाइटर लेकर बैठोगे तो मैं आप लोगों को सारी चीजें वो मार्क कराता रहूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे साथ मार्क मत करना जो मैं बोलूं उन पॉइंट्स को मार्क करना ये नहीं कि हाईलाइटर से पूरी किताब रंग दी ऐसा नहीं करना है जो कहीं साइड में लिखना होगा वो भी मैं तुमको बता दूंगा और जो मार्क करना है बेटा वो भी बता दूंगा जो काटना है वो भी बता दूंगा ठीक है चलो आ जाओ तो भैया शुरुआत की जाए इसकी इंट्रोडक्शन के साथ ऑल ऑफ अस हैव द एक्सपीरियंस ऑफ सींग स्पार्क और हियरिंग अ क्रैकल व्हेन वी टेक ऑफ आर सिंथेटिक क्लोथ्स और स्वेटर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी याद है ना वही वाली चीज पर्टिकुलरली इन ड्राई वेदर ठीक है दिस इज ऑलमोस्ट इन एविटेबल विद लेडीज गार्मेंट्स लाइक अ पोलियस्टर सारी हैव यू एवर ट्राइड टू फाइंड एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनल ठीक है क्या आपने कभी कोशिश की है इसका पीछे जो कारण है वो जानने की तो आइए देखते हैं अनदर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज द लाइटनिंग दैट वी सी इन द स्काई ड्यूरिंग थंडर स्टॉन्ग जो बिजली कड़कती है उसके बारे में बात करें वी ऑल्सो एक्सपीरियंस अफ इलेक्ट्रिक शॉक ओपनिंग द डोर ऑफ अ कार और होल्डिंग द आयरन बार ऑफ अ बस आफ्टर स्लाइडिंग फ्रॉम आर सीट होता है ना कई बार कुर्सी से उठे कुर्सी से उठ के भाई साहब किसी लोहे की चीज पे हाथ लगा दिए जर्र स्पार्किंग हुई झटका लग गया है ना अपन तो जा रहे थे एकदम मस्त स्टाइल में जैसे ही दरवाजे के हाथ लगा पटाख तो जो शेर बन के गए थे बिल्ली बन के लौट के आ गए ऐसा कई बार हो जाता है ठीक है मेरे को याद है मैं एक बार कॉलेज के अंदर था और कॉलेज के अंदर जा रहा था टीचर से मिलने के लिए मतलब मेरे को बुलाया गया था मिलने के लिए तो मैडम से मिलने के लिए जा रहा था और जब गया तो एकदम फुल कॉन्फिडेंस के अंदर गया कहना कॉन्फिडेंस में ना कॉन्फिडेंस में नहीं जैसे ही गेट पर हाथ लगाया मैं ही कमिंग बोलने के लिए ठीक है गेट पर हाथ लगाते ही स्पार्क हुआ बहुत जोर का वो जो स्पार्क था उसके कारण मेरे मुँह से निकला उईमा <laughs> <laughs> ये, ये ये गड़बड़ हो गई बहुत बड़ी ठीक है मतलब मुंह से क्या निकल गया उई उईमा निकल गया अभी उई उई उईमा हो गया ना तो बस वो गड़बड़ हो गई मेरे साथ ठीक है तो मैडम पहले तो अंदर बैठी हुई तो हंस रही होंगी पर उन्होंने बोला नहीं कि हंस रही हैं तो पहले उन्होंने मज़े लिए हुई माँ के उसके बाद में ना फिर मेरे जो भी सवाल जवाब करने थे वो सवाल जवाब किए बहुत मज़ा आया अरे यार पॉइंट मेरे साथ गड़बड़ क्या हुई एक रात पहले मैं है ना अंदाज़ अपना अपना देख रहा था ठीक है हाँ तो सुबह उठा तो वो अंदाज अपना अपना में सलमान खान भाई जो है ना अपने हाँ सेलमन भाई वो क्या उईमा उईमा करते रहते थे हर बात में तो बस वो एकदम दिमाग में बैठा हुआ था जैसे ही दरवाजे पे हाथ लगाया करंट लगा तो मुंह से निकला उइ माँ मा निकलते ही गड़बड़ हो गई ठीक है ऐसे <laughs> गड़बड़ हो जाती है ठीक है हुँ। तो ड्यू टू रबिंग और ऑफ इंसु, इंसु, इंसुलेटिंग ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है रीज़न फॉर दीज एक्सपीरियंसेज इज डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इसको अंडरलाइन करेगा ठीक है रीजन फॉर दीज एक्सपीरियंसेज डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू आवर बॉडी विच वीमुलेटेडिंग सर्फिस बन सकता है, से. हाँ. चलो. है अरे तुम क्या माई मा कर रहे हो भे मैं तुमको कहानी बता रहा हूं तुम खुद उ करने लगे गलत बात ठीक है तो इस वाली लाइन को सब लोग अंडरलाइन कर लगे अब थोड़ी यार वो पिक्चर देख रहा था दिमाग में बैठा हुआ था उसे

इसमें भी चाहते हो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूं खुद एनसीआर लेकर बैठो भाई साहब मार्क करते रहो जो मैं करवा रहा निकालो एनसीआर सब लोग बेसरम चाहिए एनसीआर की भी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूं उसी में तो मार्क करवा रहा हूं खुद से पढ़ लेगा कुछ लिख लेगा तेरे को याद रहेगा बेशरम लोग चलो एन लेकर बैठो हाँ, आइए तो लेट्स टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज

आ, अपने यहां पर कैसी होती है हाँ भाड़ में जाटस ठीक है इस तरह की जगह होती है अपने यहाँ पर द नेम इलेक्ट्रिसिटी इज फ्रॉम ये कहाँ से बनाया मैंने द नेम इलेक्ट्रिसिटी इज कॉइन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन मीनिंग अम्बर ठीक है इलेक्ट्रॉन मीनिंग अम्बर मैनी सच पेयर्स ऑफ मटीरियल्स वर नोन विच विच इनके साथ में क्या होता है विच मतलब यहाँ पर भूत नहीं है ठीक है इनके साथ में क्या होता है उसके बारे में बताते हैं कि इस तरह के बेटा बहुत सारे मटीरियल्स के बारे में हम लोगों को पता था जिनको क्या होता था या तो अपन लोग रब करें या उनके साथ में अपन लोग कोई और खेल करें जिससे कि क्या होते थे उनके अंदर से अपने को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कुछ चीजें जो है ना बेटा तो वो अपने को पता जो है वो लगने लगती थी ठीक है तो देखो अपने को क्या मिला यहां पे देखिए ऑन रबिंग है ना ऑन रबिंग कोड अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट्स लाइक स्ट्रॉ पिथ बॉल्स ध्यान दीजिए सर जैसा महान इंसान कोई नहीं है न्यू वायरस इन वर्ल्ड इलू इलू वायरस ट्रांसमिटेड हेलो मेरा येलो हाइलाइटर सूख गया पिंक से पाप होगा पाप एन सी आर टी ले आओ और क्या एन सी आर टी साथ लेके बैठे हैं सर मार्क भी कर रहे हैं चलो गुड 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 तो यहाँ पर हमने क्या बोला बेटा ऑन रबिंग कुड अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट्स लाइक श्रॉप विद वॉल्स एंड बिट्स ऑफ पेपर्स यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एट होम ये वो करते ना कंगा वंगा घिसके वो सब चीज़ें कर लेना ठीक है ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है अरे काटा कूटी करनी थी इसमें क्या हो गया इसको काटो ऐसा क्या ऐसा ठीक है हाँ और राइट नीचे आ जाओ चलो इट वॉज ऑब्जर्व दैट इफ टू टू ग्लास रॉड्स रब विद वूल और सिल्क लो सॉट ब्लॉट क्लोज द रिपेल ईच अदर अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि अगर दो ग्लास रॉड्स को जिनको अपन ने वूल या सिल्क से रगड़ा है अगर इनको हम लोग पास पास लाएंगे तो ये रिपेल करती हैं समझ गए क्या करती हैं बेटा है? ये रिपेल करती हैं ये सीधे क्वेश्चन बन सकता है तो ग्लो दो ग्लास रॉड्स अगर लेकर आओगे तो द रिपेल ही चार समझ गए ना किससे रगड़ के लाने हैं उसको वूल या सिल्क से अगर रगड़ के लाओगे तो बेटा ऐसा हो जाएगा ये आपको वन पॉइंट ए के अंदर देखिए बता रखा है ठीक है ये आप लोगों का सिल्क थ्रेड है या आपकी ग्लास रॉड है ठीक है ग्लास रॉड ये वाली ग्लास रॉड ये वाली ग्लास रॉड पास पास लाए रिपेल करेंगे सेम चार्जेस आ गए इनके अंदर ठीक है सिल्क थ्रेड जो है उससे प्लास्टिक की रॉड को रगड़ा तो देखो उसमें नेगेटिव चार्ज आता है और ऐसे ही सिल्क थ्रेड से अगर हम लोग ग्लास रॉड को रगड़ते हैं और इस प्लास्टिक की रॉड के पास लाते हैं तो यहाँ पे अट्रैक्शन देखने को मिलता है समझ गए से अपने को ये बात पता लगी कि कोई तो ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसके कारण क्या हो गया था किसी के पास में तो एक ऑपोजिट नेचर की चीज थी और किसी के पास में कोई सेम नेचर की चीज थी और इस तरह से हम लोग सारी की सारी जो कहानी है उसको बना देते हैं ठीक है अब देख द टू स्ट्रैंड ऑफ वूल और टू पीसेज ऑफ सिल्क क्लॉथ विद विच द रॉड ऑल्सो रिपेल इच अदर यानी जो वूल के भी जो टुकड़े हैं जिससे अपन ने रॉड को रगड़ा था वो वूल के टुकड़े भी पास ले जाते हैं वो भी एक दूसरे को धक्का मारने लगते हैं पीछे की तरफ यानी वो भी अपने आप को क्या करने लगते हैं रिपेल करने लगते हैं ग्लास रॉड एंड वूल अट्रैक्टेड ईच अदर पर जो ग्लास रॉड और वूल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे तो ये सब चीजें आपको पता हो ग्लास रॉड और वूल जो होते हैं आपस में अट्रैक्ट करते हैं सिमिलरली टू प्लास्टिक रॉड्स अगेन टू प्लास्टिक रॉड्स रब विद रव विद्स रिपेल्ड ईच अदर यानी प्लास्टिक के अंदर नेगेटिव चार्ज आता है तो इसको है ना साइड में ऐसे लिख लेना पी एन प्लास्टिक P4 फॉर क्या बेटा प्लास्टिक और N4 फॉर क्या बेटा नेगेटिव ठीक है हाँ ग्लास रॉड के अंदर कैसा जाता है बेटा पॉजिटिव चार्ज जाता है तो जीपी से याद रख लेना ग्लास और ये पी से क्या हो गया बेटा पॉजिटिव ठीक है जीपी से याद रखना ग्लास के अंदर कैसा चार्ज होता है और पी uh, एन से याद रखना है कि प्लास्टिक के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है बेटा ट्रिक है याद रखने की इफ यू कैन रिमेंबर ये बहुत अच्छी बात होगी बेटा ठीक है इफ यू कैन रिमेंबर ये बेटा बहुत अच्छी चीज है अगर आप लोग याद रख पाए तो इससे मैं तो ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स बनाता था जिससे मेरे को चीजें जो है वो याद हो जाया करती थी आशा करता हूँ आप भी बना सकते हो ठीक है बट अट्रैक्टेड द फर ऑन द अदर हैंड प्लास्टिक रॉड अट्रैक्ट द ग्लास रॉड एंड रिपेल द सिल्क और वूल विद विच द ग्लास रॉड इज रॉड द ग्लास रॉड रिपेल्स द फर ठीक है इफ अ प्लास्टिक रॉड रब्ड विद फर ठीक है मतलब पॉलिस्ट्रीन की बॉल्स होती हैं ऐसे धागा वागा होता है ना धागे की बॉल्स बना लेड बाई सिल्क और नाइलॉन एंड बॉल्स विद्लास रॉड रिथ सिल्क अ ड्रामेटिक ऑब्जर्वेशन इज दैट अ पिथ बॉल टच विध ग्लास रॉड अट्रैक्ट अनादर पिथ बॉल टच विद प्लास्टिक रॉड ठीक है क्योंकि बेटा ऑपोजिट चार्जेस चले रहते हैं ना इसलिए ठीक है अब तो अपन पढ़ चुके हैं ना तो इसके रीज़न अपने को मन में पता है अदरवाइज़ ये सब थ्योरी पढ़ने के बाद में आदमी इतना बुरी तरह से कंफ्यूज होता है ना बेटा जिसकी कोई हद नहीं है ठीक है सर वहां बारिश हो रही है क्या यहाँ तो कल रात से हाँ बेटा यहाँ पर भी बारिश चल रही है रात से ही चल रही है रात को एक डेढ़ बजे जो शुरू हुई थी बारिश वो अभी चली रही है हाँ दैट बारिश इज गोइंग ऑन राइट नाउ बिल्कुल बेटा है ना हाँ तो देखिए बेटा These seemingly simple facts were established from years of efforts and careful experiments and their analysis. It was concluded after many careful studies by different scientists that there were only two kinds of an entity which is called the electric charge. We say that the body is like glass or plastic rods. Balls. So, ये सब मैंने आपको लिखवा दिया है कि किसके पास में कैसे चार्जेस होते हैं like repel, अब इस चीज को अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है यह तेरे को पता है ठीक है हाँ ठीक है ना बेटा द एक्सपेरमेंट ऑल्सो डेमोस्ट्रेटेडेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉ द balls on contact. It is said that pith balls are electrified. Are by the property differentiates the two kind of charges द टू the पोलैरिटी ऑफ चार्ज इस वाली लाइन को अंडरलाइन कर लो अपन ऐसे बोलते हैं ना पोलैरिटी कैसी है पॉजिटिव या नेगेटिव बोलते हैं ना बैटरी की पोलैरिटी किस तरह की है इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है कौन सा ले रहे हो तो पोलैरिटी जो है ये आपके दो काइंड ऑफ चार्जेस को डिफर करता है whether you are positive or you are नेगेटिव और बेटा अगर किसी ने भी अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो पहले तो लाइक कर देना दूसरी बात मैंने टेलीग्राम चैनल आप लोगों को बता रखा है उस टेलीग्राम चैनल को बेटा जरूर से ज्वाइन कर लेना ऊपर से नीचे आते हुए एट द रेट एन एम सर फिजिक्स ठीक है दूसरी बात आज रात को नौ बज के पंद्रह मिनट पर थर्मल एक्सपेंशन नाम का जो चैप्टर है वो चालू हो रहा है ये बात याद रखना ठीक है फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लास में ठीक है भाई और चलो नीचे देखते हैं तो ग्लास रॉड इज रब विद सिल्क द रॉड अक्वायर्स वन में अलग तरह का चार्ज आता है और सिल्क के अंदर अलग तरह का जो चार्ज है वो आता है दिस इज ट्रू फॉर एनी पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इलेक्ट्रीफाइड ये हर किसी ऑब्जेक्ट के लिए ट्रू है बेटा ये बात ध्यान रखना ठीक है नाउ इफ द इलेक्ट्रीफाइड ग्लास रॉड इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद सिल्क अगर हम लोग जिस ग्लास रॉड को इलेक्ट्रीफाई किया है उसको बेटा सिल्क के कॉन्टैक्ट में लाएंगे जिससे हमने उसको रगड़ा था ऑलरेडी ठीक है हाँ भाई मेरे पास में एक रॉड है जैसे मैं तेरे को बताता हूँ मेरे पास कपड़ा भी पड़ा हुआ है चार्ज करने वाला और करंट जो है बस वो ना आए ये है तो जैसे मान ली ये हमारे पास में रॉड है अब इस रॉड को अपन ने क्या किया कपड़े से पकड़ के ऐसे घिस दिया कि चार्ज होने लगी हाँ इसके अंदर चार्जेस जो है वो मैंने डेवलप करा दिए हैं भाई साहब मेटल रॉड है ये एकदम ज़बरदस्त समझ गए हाँ तो देखो अभी आया मेरे को पता लगाना वो तुम्हें थोड़ी ना पता लग है ना बस मैंने ओयमा नहीं किया ऐसा समझ लेना बस मैंने ओया नहीं किया है अदरवाइज झटका लग गया मेरे को ठीक है तो ये जो तरीका होता है ना बेटा हाँ ये तुम लोगों को नजर नहीं आएगा बस ठीक है ये तुम्हें नजर नहीं आएगा पर असलियत के अंदर हो रहा होता है ये सब ठीक है ना हाँ ये होता ही है और क्या तुम्हें क्या लगता है होता नहीं है तो अपन इस तरह से जाते हैं तुम्हें पता है लोगों को इतने झटके लगे चार्ज के बारे में बताने के चक्कर में बेचारों को पता नहीं होता था गलती से बिजली दौड़ा देते थे खुद में बिजली दौड़ जाती थी है ना उन्हें थोड़ी ना पता था वो पता लगा तार को सही करना है तार पे सीधे यूं हाथ लगा दिया और यूं हो गया भाई साहब करंट लग गया पता ही नहीं था बिजली दौड़ रही है तो भैया बहुत बहुत इन सब चीज़ों के पीछे एक्सपेरिमेंट किए लोगों ने जाने गवाई लोगों ने झटके खाए पता नहीं क्या क्या किया ठीक है हाँ हाँ और क्या लगाना झटका अब क्या कर सकते हैं तुम्हें बताया ना मैंने ये क्लॉथ है क्लॉथ से अपन ने घिस दिया इसको ठीक है रब कर दिया तो ऐसे ऐसे झटका लग गया ठीक है ऐसे हो जाता है बेटा है ना हाँ अब तुम ये मत बोलना सर आपने तो सेंटर ऑफ मास पढ़ाते टाइम में बताया था कि जब भी झटके की फील आएगी तो इम्पल्स की बात करेंगे तो वो झटका अलग था ये झटका अलग है तो फालतूगिरी की बातें मत करना ठीक है हाँ मेरे को पता है तुम लोगों के दिमाग में यही चल रहा होगा मास्टर पहले तो बोल रहा था कि झटका लगता है तो इम्पल्स की बात करते हैं यहाँ झटका लग रहा है तो चार्ज की बात करते हैं ठीक है चलो तो देखिए भाई नाउ इफ द इलेक्ट्रीफाइड ग्लास रॉड इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद सिल्क विद विच इट वॉज नो लॉन्गर अट्रैक्ट इच अदर अब एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं समझ गए? इलेक्ट्रीफाई करने के बाद तो सब कुछ कर रहे थे पर जब उनके साथ क्या हुआ दिस इज ट्रू फॉर हाँ चार्ज नाउ इफ द इलेक्ट्रीफाइड ग्लास रॉड इज ब्रॉट इन विद्क विध विच इज नॉट रव नो लॉन्गर अट्रैक्ट इच अदर समझ गए ठीक है अब ये किसी भी प्रकार का कोई अट्रैक्शन वगैरह जो है बेटा वो नहीं दिखाते हैं ये वाली बात ध्यान रखिएगा ठीक है हाँ दस द चार्जेस अक्वायर्ड आफ्टर रबिंग आर लॉस्ट वेन द चार्ज बॉडीज आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट आप जैसे ही उनको कॉन्टैक्ट में लाए तो बेटा जो चार्ज अक्वायड था वो लूज हो गया ये अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहां पर पता होना चाहिए ठीक है यस अंडरलाइन दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन अरे अंडरलाइन करो स्टार बनाओ इस लाइन के ऊपर कि आप कांटेक्ट में लाते हो तो चार्जेस लूज कर जाते हैं खत्म हो जाता है खेल ही खत्म हो जाता है इलेक्ट्रिफिकेशन ही खत्म हो जाता है तो चार्जेस अक्वायर्ड आफ्टर रबिंग आर लॉस वेन चार्ज बॉडीज आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट वॉट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन इट जस्ट टेल्स दैट अनलाइक चार्जेस अक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट्स ठीक है अनलाइक चार्जेस अक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट्स न्यूट्रलाइज और नलीफाई एक दूसरे के इफेक्ट को खा जाते हैं ठीक है देयरफॉर द चार्जेस वर नेमड एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव बाय द अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन यही थे भाई साहब जिन्होंने पतंग-पतंग उड़ाई थी और पतंग उड़ा के झटका खाया था हाँ इन्होंने पतंग उड़ाई थी सर 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 बिजली चमक रही थी वहां पे और झटका खाया था बचा ठीक है थॉर की बिजली थॉर ने ऊपर से हथौड़ा छोड़ा है ना थॉर ने ऊपर से हथौड़ा छोड़ा और भाई साहब बिजली समझ गए इनके साथ भी क्या हुआ था ऐसे पतंग उड़ाते उड़ाते <laughs> क्या याद दिलवा दिया यार तुम लोगों ने <laughs> अरे यार क्या याद दिला दिया <laughs> उसी के अंदर तो आमिर खान भी ऐसे करता है झकास <laughs> तुम लोग यार चलो भाई है ना वी नो दैट वैन वी एट अ पॉजिटिव नंबर टू अगेटिव नंबर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड द सम इज जीरो दिस माइट हैव बीन द फिलोसोफी इन नेमिंग द चार्जेज एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव क्यों नाम रखा इस कारण से नाम रखा तो किसी को ऐसा लगता है ना कि सर उन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव क्यों बोला तो वो इस कारण बोला था बच्चों ठीक है हाँ इस कारण बोला था ठीक है हाँ समझ गए तो किसी को ऐसा लगता होगा कि तुम्हारा नाम पप्पू क्यों रखा तो वो पप्पू इसलिए रखा होगा कि तुम्हारे भाई बहन का जो नाम है वो अप्पू चप्पू लप्पू टप्पू कुछ भी हो सकता है इसलिए ठीक है जैसे मेरे बड़े भाई का नाम अप्पू है तो मेरा नाम उठा के निप्पू रख दिया ठीक है क्योंकि राइम अच्छा कर रहा था अप्पू का भाई कौन निप्पू वाह ये कोई बात हुई है ये भी बात हुई मतलब कितनी गजब की बात है हैं चलो राइम करते हैं तो चलो एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव कर देते हैं ये कोई बात थोड़ी ना होती है अपने नाम मतलब तो नाम नाम और साडा नाम कुछ भी <laughs> ऐसा हो जाता है तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा वैसे तो मैं अच्छे से जानता हूँ ठीक है हाँ सर आपकी फ्री इनफ है क्या बेटा फ्री के साथ में सब्सक्रिप्शन जो है वो अगर ले लोगे तो बहुत मजा आएगा मेरा तो पवन है चलिए तो खुशी की बात है जा जा रे जा रे पवन <laughs> सॉरी हाँ चलो कहाँ चला गया यार इधर हो 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 जिंदगी कैसी है पहेली हाय कभी ये हसाए कभी ये रुलाए जिंदगी हाँ हम्म तो भाई बाई कन्वेंशन तो चार्ज ऑन ग्लास रॉड अभी अपन ने कन्वेंशन से मान रखा है कि जो ग्लास रॉड के ऊपर चार्ज होता है ना बोल्टा ठीक है हाँ ग्लास रॉड के ऊपर जो चार्ज होता है है ना या फिर जो कैट का फर होता है उसको अपन लोग पॉजिटिव चार्ज मानते हैं और प्लास्टिक रॉड का जो चार्ज है या फिर सिल्क के ऊपर जो चार्ज है उसको नेगेटिव मानते हैं ये कन्वेंशन है बेटा दिस इज अ कन्वेंशन ठीक है अब साइंटिस्ट लोगों ने जैसा नाम रख दिया वैसा रख दिया बच्चों ठीक है सर अपू निपू बहुत सही मोनू जोनू का दर्द फील करना कभी एक ही बात है बेटा इट इज़ द सेम थिंग मोनू जोनू अपू निप्पू ये सब इसी तरह से फील होते हैं जैसे तुमको फील होता है ठीक है हाँ चलो तो इफ एन ऑब्जेक्ट पेजे एन इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज सेट टू बी बट्रीफाइड और चार्ज वैन इट हैज नो चार्ज इट इज सेट टू बी न्यूट्रल बहुत ही नॉर्मल सी बात जो हम लोग जानते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इसको अपन लोग बेटा पढ़ लेते हैं एक बार आ जाओ ओजला देख लें ठीक है इन ओल्डन डेज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वर ट्रीटेड एज सेपरेट सब्जेक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी डेल्ट विद चार ऑन ग्लास रॉड कैट फर बैटरीज लाइटिंग एसेट्रा वेल मैग्नेटिज्म डिस्क्राइब इंट्रैक्शन ऑफ मैग्नेट्स आयरन फिलिंग्स कंपास नीडल्स एटसेट्रा ठीक है इन 1820 ट्वेंटी डेनिश साइंटिस्ट ऑर्स्टर्ड ऑर्स्टर्ड लॉ पढ़ते हो ना बेटा मैग्नेटिज्म में नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं है पढ़ेंगे फाउंड दैट इज पड़ेंगे पासिंग एन इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू अ वायर प्लेस नियर द नीडल एम्पियर एंड फेर इज सपोर्टेड दिस ऑब्जर्वेशन बाय दैट इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड मूविंग मैगनेट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जिसके कारण जनरेटर जो है वो दुनिया में आया ठीक है बेटा द यूनिफिकेशन वॉज अचीव द स्कॉटिश फिजिस मैक्सवेल एंड डिजिस लॉरेंस पुट फॉरवर्ड अ थ्योरी वे आर दे शोड द इंडिपेंडेंस ऑफ दिस टू सब्जेक्ट्स दिस फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म असली में मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है बेटा वो सबसे जबरदस्त थ्योरी है वन ऑफ द बिगेस्ट 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 डिस्कवरीज ऑफ ऑल टाइम वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंशन ऑफ ऑल टाइम आप लोग ये मान के चले ठीक है मोस्ट ऑफ द फिनोमिनन अकरिंग अराउंड दिस कैन बी डिस्क्राइब अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वर्चुअली एवरी फोर्स दैट वी कैन थिंक ऑफ लाइफ फ्रिक्शन केमिकल फोर्स बिटवीन एटम्स होल्डिंग द मैटर टुगेदर एंड इवन द फोर्स इज डिस्क्राइबिंग प्रोसेस इज अकरिंग इन सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव इट्स ओरिजन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज मतलब तुम जो बायो बायो भी पढ़ रहे हो उसके अंदर भी असली में जो फोर्सेज हैं वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज ही होती हैं तो असली में फिजिक्स इज द मदर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग ठीक है फादर वादर कोई है ही नहीं फिजिक्स ही मदर है अपने आप जन्म हुआ है ऐसा कुछ है समझ गए देख फिजिक्स सबसे पहले आई दुनिया में उसको समझने के लिए लोगों ने गणित बनाई फिजिक्स को समझने के लिए लोगों ने क्या बनाई बेटा गणित बनाई ऐसा हुआ और फिर जब कुछ नहीं था खाली टाइम था लोगों के पास में तो थोड़ी सी केमिस्ट्री बना दी ठीक है ना और फिर थोड़े और खाली हुए जब भाई लोग मरने लगे इधर उधर बीमारियां फैलने लगी तो लोगों ने बायो बना दी है ना फिर बायो के अंदर लोगों को ठीक करने के लिए केमिस्ट्री के अंदर और ज़्यादा आविष्कार करने लगे इस तरह से जो है वो सारी की सारी चीज़ें डेवलप होनी शुरू हुई पर अल्टीमेटली दुनिया में क्या आया फिजिक्स है ना फिजिक्स पढ़ने के लिए बनाई मैथमेटिक्स इस तरह से कहानी जो है वो चली थी तो बायोलॉजी केमिस्ट्री बायोलॉजी को इंडिपेंडेंट रखो चलो इस वाली चीज से पर केमिस्ट्री तो बिल्कुल ही मतलब क्या है है ना पर एनी ठीक है ठीक <laughs> है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्स इन नेचर ये बात ध्यान रखिए मैक्सवेल पुट फोर्थ फोर्थ फोर जो अपन लोग उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नाम का जो चैप्टर है ना बेटा उसके अंदर पढ़ेंगे सर सबसे पहले इंसान आया था अरे मैं बता रहा हूँ इंसान ने जब साइंस पढ़नी शुरू की तब उसने क्या पढ़ना शुरू किया था ठीक है हाँ है ना भाई यस uh, ठीक yes. है सभी टीचर अपने सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट बोलते हैं अब तुम देखना कि कौन कितना ज्यादा उस वाली चीज को अच्छे से बोल पाता है यू विल ऑलवेज सी फिजिक्स पीपल विनिंग इन दैट ठीक है मेडर तो पुट फोर्थ फोर इक्वेशन जो अपन ई एमडब्ल्यू के अंदर पढ़ते हैं दैट प्ले द सेम रोल इन क्लासिकल इलेक्ट्रो मैग्नेटिजम एज न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन लॉ प्ले इन मैकेनिक्स ही ऑल्सो आर्ग्यूड दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव

ठीक है कुछ भी नहीं लिखा हुआ है बस ये लिखा हुआ है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो लॉन्ग रेंज होती है ऐसा बताया हुआ है समझ गए चिल मार्क ठीक है इट्स इफेक्ट इज फेल्ट इवन इन द डिस्टेंस बिटवीन द इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स इज वेरी लार्ज बिकॉज द फोर्स डिक्रीजेज इन वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द इंटरेक्टिंग बॉडीज वी विल लर्न इन दिस चैप्टर दैट इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑल्सो अ परवेसिव एंड इज इन फैक्ट स्ट्रॉगर दैन द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय सेवरल ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड समझ गए असली में जो आपकी इलेक्ट्रिकल फोर्सेज होती हैं वो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा होती हैं अब उसमें भी जब न्यूक्लियर से कंपेयर करोगे तो न्यूक्लियर और बड़ी हो जाएंगी न्यूक्लियर जो है वो कैसी हो जाएंगे बेटा और भयंकर बड़ी हो जाएंगी ये वाली बात ध्यान रखिएगा ठीक है ठीक है बच्चों ये बात प्लीज ध्यान रखना तो ये बेटा ब्लू डब्बा था मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी सीरीज लेकर आऊंगा जिसके अंदर अपन सिर्फ ब्लू डब्बे जो है ना वो पढ़ेंगे सिर्फ ब्लू डब्बे की सीरीज ओनली द ब्लू डब्बास यस नथिंग एल्स है ना तो आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें लाइंड अप है अगर आप लोग मेहनत करें तो ठीक है अब देख गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो मैंने आप लोगों को बताया था बेटा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ेंगे एनसीआर के अंदर आ जाओ एक सिंपल टू डिटेक्ट चार्ज ऑन अ बॉडी इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स बोर्ड्स ठीक है के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट के लिए थ्योरी क्वेश्चन यहां से बन सकता है इसीलिए इंपॉर्टेंट है ठीक है आ जाओ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इट कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल मेटल रॉड हाउस इन अ बॉक्स विद टू थिन गोल्ड लीव्स अटैच्ड टू इट्स बॉटम एंड ये थ्योरी देके बोर्ड के लिए तेरे को याद करनी है तो ये उसका

और या फिर ऐसे कंप्रेस हो जाती है तो जो भी हो रहा है उसके हिसाब से हमको ये वाली बात पता लगती है कि किस तरह के नेचर का जो चार्ज है वो जा रहा है, ये सेट है।, ये क्या है इसका सेटअप है जो आप लोग यहाँ पर अभी लगा हुआ देख रहे हैं ठीक है ना भाई ये आपके पास में सेटअप आ गया गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का इसका डायग्राम कैसा दिखता है वो मैं आप लोगों को अब बता देता हूँ देख लो भाई है ना ये नहीं बनाना होता आपको डोंट ड्रॉ दिस बोर्ड के अंदर भी अगर आता है ना तो ये नहीं बनाना होता है ये भी नहीं बनाना होता ये डायग्राम बना सकते हो और बेटा जो ये वाला डायग्राम दिया हुआ है ना नीचे ये वाला डायग्राम भी आप तो लोग बना सकते हो जब बोर्ड के अंदर आएगा मेजरली तो यही वाला पूछते हैं बचपन में भी जब बनाते थे नाइन टेंथ में तो यही वाला बनाते थे ठीक है हाँ बेटा है ना बच्चों तो ये बात ध्यान रखना गोल्डली फिलेक्टर को लीफ मतलब बेसिकली इतनी पतली सी लीफ होती है जैसे आपने वो मिठाई के ऊपर चांदी की लेयर चढ़ी हुई आती है ना उस तरह की पतली पतली सी लीव्स होती हैं बेटा ठीक है कैसी लीव्स होती हैं पतली पतली सी लीव्स होती हैं है ना ठीक है हम्म आपको बॉटल वाला डायग्राम बनाना है बिल्कुल अगर ट्वेल्थ क्लास में हो तो बॉटल वाला डायग्राम इज द इम्पॉर्टेंट डायग्राम फॉर यू ऑलराइट right, बच्चों ठीक है अब सुन क्या हुआ है स्टूडेंट्स कैन मेक अ सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप एज फॉलोज आप लोग बेटा खुद जो है वो इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो बना सकते हो ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है हाँ देखो यहाँ पर क्या लिखा है ठीक है टेक अ थिन एल्यूमिनियम कर्टन रॉड ठीक है ना कर्टन रॉड ले लो एल्युमिनियम की जिसके ऊपर आप लोग पर्दे वर्दे टांगते हो उस वाली रॉड को लेने के बाद में अपन लोगों को क्या करना होता है के रॉड विद बॉल्स एंड फिटेड फॉर हैंगिंग द कर्टन कट आउट अ पीस ऑफ लेंथ अबाउट ट्वेंटी सेंटीमीटर विद द बॉल एट वन एंड एंड द कर्टन टेक अ लार्ज बॉटल दैट कैन होल्ड दिस रॉड एंड अ कॉर्क विच विल फिट इन द ओपनिंग ऑफ द बॉटल मेक अ होल इन द कॉर्क सफिशियंट टू होल्ड द करटन रॉड स्नगली स्लाइड द रॉड थ्रू द होल इन द कॉर्क विद द कट एंड इन द लोअर साइड एंड बॉल एंड प्रोजेक्टिंग अब द कॉर्क देखो ये सब करना वरना नहीं है ना हाँ इसे काट दो ऐसा का ऐसा कट इट डाउन डोंट हैव टू स्टडी दिस प्लीज कट ठीक है ये पूरा का पूरा काट देना ठीक है हाँ ये सब कुछ नहीं पूछते हैं तो इसीलिए इसको ऐसा कैसा काटते रहो जो काम आता है अभी मैं आपको हम्म 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 एक सेकंड रुक जा बता रहा हूं देख ये रहा बोथ द हैव्स ऑफ द फॉइल गेट सिमिलर चार्ज एंड देयरफॉर रिपेल ईच अदर मतलब कि जब सेम चार्ज आता है ना बेटा दोनों की दोनों लीव्स के ऊपर हाँ वो सब नहीं पढ़ना है घर पर कुछ नहीं करना है एकदम ना एक्सपेरिमेंट करना ना उसको पढ़ना भी आपको पढ़ के भी नहीं देखना उसको काट दो ठीक है हां बोथ द हाफ्स ऑफ द फॉइल गेट सिमिलर चार्ज एंड देर फोर रिपेल इच अदर यानी सिमिलर चार्ज आने पर रिपल्सन होगा सेम चार्ज आने पर कन्वर्स हो जाएंगी मतलब ऑपोजिट चार्ज आने पर क्या हो जाएंगी बेटा कन्वर्ज हो जाएंगी ठीक है द डाइवर्जेंस इन द लीव्स डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन दम ठीक है अब जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा ऐसे खुलेंगी कम चार्ज है तो मान लें ऐसे है ज्यादा चार्ज तो है, है तो ऐसे है और ज्यादा है तो ऐसा है और ज्यादा है तो ऐसा है तो जो डाइवर्जेंस है ना लीवस के अंदर ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि अमाउंट ऑफ चार्ज आप लोग कितना दे रहे हो समझ गए बच्चों हम्म अमाउंट ऑफ चार्ज आपने कितना दिया उस चीज के ऊपर ये वाली बात जो है निर्भर करने वाली है ठीक है ओके हम्म 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 इसको पढ़ो यहां जो लिखा हुआ है देख यहां पर इन लोगों ने उल्टा एडेसिव फोर्सेस के बारे में कुछ बता रखा है ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है इधर हम्म hmm. हाँ

ये सब कुछ कहां से आती है बेटा ये सब आप लोगों की असली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर ही होती हैं दस द इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑल परवेसिव एंड इट एटमो ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी फील्ड एसोसिएटेड विद आर लाइफ इट इज देयर फोर एसेंशियल दैट वी लर्न मोर अबाउट सच अ फोर्स ठीक है इसी कारण से हम लोगों को इस वाली फोर्स को बेटा बहुत तरीके से पढ़ना होता है ठीक है तो इलेक्ट्रीफाई न्यूट्रल बॉडी वी नीड टू एड और रिमूव वन काइंड ऑफ चार्ज

Similarly, it can be charged negatively. अगर आपको कहाँ चला गया इफ यू वॉन्ट टू गिव नेगेटिव चार्ज तो बेटा गेनिंग इलेक्ट्रॉन जैसा कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है ये सब अंडरलाइन करते रहो जो जो मैं कर रहा हूँ ठीक है वेन बी रब अ ग्लास रॉड विध सिल्क सम रॉड आर ट्रांसफर टू दिल्क क्लॉथ तो इस वाली लाइन को स्पेशल बेटा सितारा बना के लिख लेना अपने पास ग्लास रॉड विद सिल्क ग्लास रॉड और एग्जाम्पल कई जगह पूरी दुनिया के अंदर लिया जाता है तो आपको भी ये पता होना चाहिए hmm. क्योंकि बहुत जगह पर एग्जाम्पल ठीक है दॉ गेट्स पॉजिटिवली चार्ज एंड दिल्क गेट्सिवली चार्ज नो न्यू चार्ज क्रिएटेड इन दिस प्रोसेस ऑफ रबिंग ऑल्सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर ट्रांसफर्ड इज अ वेरी स्माल फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सिर्फ जो लेस टाइटली बाउंड होता है ना बेटा उन्हीं को अपन लोग भेज पाते हैं ऐसे नहीं जो अंदर के अंदर के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टूट टूट कर नहीं आ जाते हैं ओनली द लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स दे पार्टिसिपेट ध्यान रखना लिख लेना अपने पास लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स ओनली ठीक है और ये रब वब करने के अंदर कोई नया चार्ज क्रिएट नहीं हो जाता अगर कोई आपको बोले ना मान लो ऑप्शन दे दे कि जो चार्ज ट्रांसफर हुआ है दैट चार्ज इज ट्रांसफर यहाँ से यहाँ कोई नया चार्ज तो डेवलप नहीं हो गया तो बेटा कोई नया चार्ज कभी भी डेवलप नहीं होता इट इज ओनली द लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से लेके वहाँ तक बेटा ट्रांसफर हो गए हैं ठीक है थीके? हाँ सर थर्टीन रीजन सीरीज बेस्ट आई एम डी पी रीडिंग नाइन पॉइंट थ्री ठीक है बेटा बहुत खुशी की बात है अब अपन क्या करें ठीक है चलो इधर देखो हाँ है ना ओके okay भाई देखिए भाई आगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की बात करने लगे सीधे सीधे आ जाओ काम की चीजों की बात जो है वो आप करने वाले हैं अ मेटल रॉड हेल्ड इन हैंड एंड रब्ड विद वूल विल नॉट शो एनी साइंस ऑफ बीन चार्ज हाउएवर इफ अ मेटल रॉड विद अ वुडन और प्लास्टिक हैंडल इज रब्ड विदाउट टचिंग इट्स मेटल पार्ट ठीक है उसको अगर आप लोगों ने रब कर दिया है बेटा विदाउट टचिंग इट्स मेटल पार्ट इट शो साइंस ऑफ चार्जिंग सपोज वी कनेक्ट वन एंड ऑफ अ कॉर वायर कॉपर वायर रिलेकेड टू अट्रल पिथफॉल एंड द अर एंड ऑफ अगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड वी विल फाइन दैट द पिथ बॉल अक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज इफ अमिलर एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विद नाइलॉन थ्रेड और अ रबर बैंड नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज विल टेक प्लेस फ्रॉम द प्लास्टिक रॉड टू द पिथफॉल तो ध्यान रख इस वाली चीज को अंडरलाइन कर लें अपने पास डायरेक्ट क्वेश्चन बात जो है वो पूछा जा सकता है कौन सा नाइलॉन थ्रेड और अ रबर बैंड ये वाला रिपीटेड विद अन् नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज विल टेक प्लेस फ्रॉम द प्लास्टिक रॉड टू दिथ बॉल ठीक है एक तो ये दूसरा क्या ये वाला हम कहाँ चला गया ये वी कनेक्ट वन एंड ऑफ अ कॉपर वायर टू वन न्यूट्रल पिथ बॉल एंड द अदर एंड ऑफ अ नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड वी विल फाइंड दैट द पिथ बॉल्सिव चार्ज इफ दिस इज रिपीटेड विदलॉन थ्रेड तो हम लोग देखते हैं किसी प्रकार का कोई चार्ज जो है वो ट्रांसफर नहीं होता है ठीक है तो यहाँ से बेटा आपका जो क्वेश्चन है वो बन सकता है डोंट वरी ठीक है मेरे बच्चों यस दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर अ क्वेश्चन कैन बी मेड ठीक है अब इसके अंदर एक क्वेश्चन खुद इन्होंने बना के दे रखा है ध्यान दो द ट्रांसफर ऑफ चार्ज नॉट टेक प्लेस फ्रॉम द रॉड टू द बॉल अब तुम सोचो इस वाले चैप्टर को अगर खुद पढ़ने बैठते ना अभी तक सो चुके होते तुम लोग सर ऑफ क्रिस्टोफर नोलन की मूवी वेरी कंसेप्चुअल अच्छा बेटा मेरे को पता ही नहीं था हाँ हैव ऑलरेडी स्लेप्ट इतनी अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की थ्योरी तुम लोग पढ़ लेते ना ये आठ नौ पन्ने पढ़ने के अंदर तो तुम लोग सो चुके होते मैं मजाक नहीं कर रहा एन सी आर टी है भाई साहब वो एन सी आर टी नींद की गोली बोलता हूँ मैं इसको हमेशा से एन सी आर टी इज़ प्योर नींद की गोली तो ध्यान रखना मेरे दोनों प्लस के कोर्स जो हैं बेटा वो शुरू हो चुके हैं दोनों के दोनों जो हमारे प्लस के कोर्स हैं उनके अंदर एनरोल कर लीजिए एक प्लस के कोर्स में मैकेनिक्स एक के अंदर कैपेसिटर मैग्नेटिज्म जो है वो चल रहा है बाकी स्पेशल क्लास में आज रात से थर्मल एक्सपेंशन जो है वो हम लोग चालू करने वाले हैं रात को सवा नौ बजे उसका लिंक आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे विच इज एट द रेट एन सर फिजिक्स ठीक है चलो अब यहां पे इसका रीजन पढ़ो वाई ट्रांसफर ऑफ चार्ज डज नॉट टेक प्लेस फ्रॉम द रॉड ऑफ द बॉल फ्रॉम द रॉड टू द बॉल सीबीएसई वाले बच्चे खास ध्यान दें ठीक है सम सबस्टैंसेज रेडली अलाउ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैम अदर्स डू नॉट इलेक्ट्रिसिटी टू पास उठ दैम इजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स जिन्होंने बोला कि ले भाई ट्रांसफर कर ले इधर से उधर उनको क्या नाम दे दिया बेटा कंडक्टर्स सर आप सारे चैप्टर कराओगे हाँ बेटा सारे कराऊंगा बीच में अधर में थोड़ी ना छोड़ूंगा तुझे ठीक है आर कॉल्ड कंडक्टर्स दे हैव इलेक्ट्रिक चार्जेस ठीक है दैट आर कंपेरेटिवली फ्री टू मूव इन साइड द मटीरियल

वन ऑफ द टू कैटेगरीज स्टेटेड अबाउ ज्यादातर चीजें इन दो कैटेगरीज के, के अंदर लाए करती हैं बाकी अलग से सेमी कंडक्टर्स भी होते हैं ठीक है हाँ तो वो पूरा का पूरा चैप्टर ही अलग है जैसे आपको पढ़ना है सम ट्रांसफर टू अ कंडक्टर इट रेडिली गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द कंडक्टर ध्यान रखना पूरा का पूरा चार्ज जो आप लोग कंडक्टर को देते हो वो सरफेस के ऊपर फैल जाता है एंटायर सरफेस ठीक है इन कॉन्ट्रास्ट इफ सम पुट ऑन एन इंसुलेटर ट द सेम प्लेस उसी जगह रह जाता है ठीक है यू विल लर्न वाई दिस है जहां पता लग रहा होगा वहीं अपन लोग पढ़ लेंगे तो चिंता मत करना वैसे भी एनसीआर है ठीक है बच्चों वो तो बयाने जाते हैं ना सर क्या बोल रहे ठीक हैटीरियल टेल्स यू बायोन और प्लास्टिक कॉम गेट सिलेक्ट्रेड ऑन कॉम्बिंग ट्राई हेयर ऑन रनिंग बट अटल आर्टिकल लाइक स्पून डज नॉट ठीक है चम्मच वम्मच के साथ में ऐसा नहीं होता है द चार्जेज ऑन मेटल लीक थ्रू आर बॉडी थ्रू द ग्राउंड एस बोथ आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भाई आपके पास जो चम्मच चम्मच थी उसको ऐसे घिसोगे तो चार्जेस लीक होके सीधे जमीन के अंदर घुस जाते हैं ठीक है तुम हवा में तो होते नहीं हो वैन यू ब्रिंग अ चार्ज बॉडी इन कॉन्टेक्ट विद ऑल दस चार्ज ऑन द बॉडी डिसअपियर्स बायिंगली बायिंग मोमेंट्री करेंट टू पास थ्रू द ग्राउंड थ्रू द कनेक्टिंग कंडक्टर सच एज आर बॉडी बेसिकली हम कंडक्टर होते हैं असली में पता है हम लोगों को जब करेंट वगैरह लगता है असली तो में हम लोगों को जब करेंट वगैरह लगता है तो हम लोग करेंट लगने से नहीं मरते हैं हम लोग मरते हैं करंट के बहने से जब करंट हमारी बॉडी के थ्रू बहरा होता है तो बेटा वो इतनी भयंकर वाली हीट जनरेट करता है ना कि हम लोगों को पता भी नहीं लगता कि कब मर गए हाँ डोंट इवन रियलाइज वेन वी डाय ठीक है हाँ ये वाली बात ध्यान रखना हुआ क्या जैसे ही हम लोगों ने किसी तार को छुआ तो तुम लोगों को पता है नॉर्मल भी कभी झटका लग जाता है ना करंट का तो एकदम से दिमाग झंझना रहता है सब कुछ छिल जाता है कि क्या हो गया एक आधे मिनट तो बैठना पड़ता है भाई साहब अपने आप को वापस से कैचअ करने के लिए कि जिंदगी जो है वो अभी चालू है या नहीं है ऐसा सोचने के लिए ठीक है दैट काइंड ऑफ झटका है ना अब हुआ क्या मैं किसकी बात कर रहा हूँ कि आपको भारी झटका लग गया मान लो वो ट्रेन के ऊपर जो तार चल रहे होते हैं उसको छू लिया तुमने गलती से भैया वाले तार छू लिया ना अगर आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप मर चुके हैं पहले ही बता दूं आपको एहसास भी नहीं आएगा मरने का इतनी स्पीड से मर जाओगे क्यों <laughs> क्योंकि बेटा करंट एकदम से ये सब ट्राई नहीं करना है ये मैं पहले ही बता रहा हूं आपको ठीक है पता लगेगा चलो ये अच्छा तरीका है है ना न ठीक है सर आपकी वीडियो कैसे करूं दस वीडियो है एक चैप्टर की एंड ऑफ टू आवर्स हाँ तो देखना उसको और क्या और कैसे करेगा वीडियो ठीक है हाँ तो बेटा वो इतनी तेज लगता है और असली में अपन लोग तार छूने से नहीं मरे करंट लगने से नहीं मरे करंट के बहने से मर गए आपके दिमाग पे जो उसका वो जाता है ना एकदम से इम्पल्स जो जाता है आपने छुआ और आप ये सोचो कि आपको करंट लगा उससे पहले तो उस अमाउंट ऑफ करंट जो आपके हाथ से बह के आपके दिमाग में पहुंच गया है ना वो आपके दिमाग के न्यूरॉन्स को ख़त्म कर चुका है कि वो तुम्हें ये एहसास भी दिला पाए कि तुमने करंट के तार को छुआ है और तुम बेवकूफ़ हो और तुम मर चुके हो इतनी स्पीड से मरता है आदमी समझ गए प्राण पखेरु ऐसे उड़ते हैं जैसे वो प्राण नहीं है समझ गए तोते की तरह उड़ जाते हैं ध्यान रखिएगा ये होता है तो इट इज वेरी वेरी डेंजरस गाइस ठीक है हाँ तो देखो अर्थ से अगर कांटेक्ट में आ जाओगे तो अर्थ के अंदर सब कुछ बह जाएगा दिस प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द चार्जेस विद द अर्थ इज कॉल्ड ग्राउंडिंग ऑफ और अर्थिंग ठीक है हम लोग जानते हैं process of sharing of charges with the earth is called grounding or earthing earthing provides a safety measure for electrical circuits and appliances अब दे कहीं भी कुछ भी पढ़ा देते हैं अब यहां hmm. अर्थिंग पढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी नॉट रिक्वायर्ड वो तो हम लोग वो चैप्टर अलग से पढ़ चुके हैं इसलिए हमें अर्थिंग के बारे में आईडिया है ठीक है हम अपने को अर्थिंग का आईडिया क्यों है क्योंकि ये चैप्टर हम लोग अलग से पढ़ चुके हैं दैट्स व्हाई वी हैव सम आईडिया अबाउट अर्थिंग अदरवाइज अपने को आईडिया ही नहीं होता ठीक है यहाँ इन्होंने कहीं भी अर्थिंग डाल दी ना तो अपने को अभी करंट की पता कि करंट कहाँ बहता है करंट तो पढ़ाया नहीं पहले अर्थिंग डाल दिया चार्ज भी शेयर करवा दिया सब कर दिया भाई साहब ना कंडक्शन ना इंडक्शन ना फ्रिक्शन कुछ नहीं पढ़ाया सीधे चार्ज शेयरिंग करवा दी है ना सब करवा दिया ग्राउंडिंग भी करवा दी भाई साहब दिस इज एन फॉर यू हाँ द बेस्ट बुक ऑफ होल यूनिवर्स एनसीआर ठीक है अथिक मेटल प्लेट इज बे डीप इन द अर्थ ठीक है And thick wire is drawn from this plate. These are used in buildings for the purpose of earthing near the main supply. The electric wiring in the houses three wires live, neutral and earth. ये सब अपने पता है The first two carry. अब बताए यहाँ पे पूरी wiring के बारे में बता दिया Electric current बता दिया मतलब अजीब बेवकूफ टाइप की किताब हो गई है ना ये तो नहीं कि पहले इलेक्ट्रोस्टेटिक्स के बारे में बताओ पहले करंट बीच में घुसेड़ दिया और बातें कर रहे हैं कि हमने किताब बहुत रिसर्च करके लिखी है वाह क्या रिसर्च करके लिखी है मजा ही आ गया मतलब वाह वाह ठीक है इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द पावर स्टेशन एंड द थर्ड इज अर्थड बाय कनेक्टिंग टू द बरेड मेटल प्लेट मेटेलिक बॉडीज ऑफ द इलेक्ट्रिक अपलायंसेज सच एज इलेक्ट्रिक आयरन रेफ्रिजरेटर टी वी आर कनेक्टेड टू द अर्थ वायर वैन एनी फॉल्ट अकर्स और लाइव वायर टच इज द मेटेलिक बॉडी द चार्ज क्लोज टू द अर्थ विदाउट डैमेजिंग द अप्लायंस एंड विदाउट कॉजिंग एनी इंजरी टू द ह्यूमन्ट वुड हैव अदरवाइज बीन अन अवॉइडेबल सिंस द ह्यूमन बॉडी इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ठीक है आ, समझ गए हाँ भाई ठीक है मेरे बच्चों ओके दैट्स ग्रेट चार्जिंग बाय इंडक्शन आ जाओ चार्जिंग किसके थ्रू करने वाले बेटा इंडक्शन के थ्रू करने वाले ये सब चीजें वैसे तो पढ़ चुके हैं पर एनसीईआरटी से पढ़ना बेटा थोड़ा सा जरूरी है तो आओ चलो देख लेते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन के अंदर क्या होना है देखो भाई वेन वी टच अ पिथ बॉल जब भी हम लोग किसी पिथ बॉल को क्या करते हैं बेटा विद इन इलेक्ट्रीफाइड प्लास्टिक रॉड सम द नेगेटिव चार्जेस ऑन द रॉड आर ट्रांसफर टू द पिथ बॉल एंड इट ऑल्सो गेट्स चार्ज द ज पिथ बॉल इज चार्ज बाय कॉन्टैक्ट ठीक है हाँ तो अपन ने पहले तो है ना बेटा कॉन्टेक्ट से आपकी जो पिथ बॉल है उसको चार्ज कर लिया है ना अब पिथ बॉल को चार्ज करने के बाद में अपन लोग क्या कर रहे हैं चार्ज बाय बाय इट इज देन द प्लास्टिक रॉड बट इज अट्रैक्टेड बाय अ ग्लास रॉड विच इज ऑपोजिटली चार्ज हाउवर वाई अलेक्ट्रीफाइड रॉड अट्रैक्ट लाइटेक्ट इज अ क्वेश्चन वी स्टिल हैव नॉट आंसर लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट कुड बी है फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट देखो करना क्या है यहां पर आप लोग देखो जरा ए और बी आप लोगों को ये गिवन है न्यूट्रल है एकदम अपन ने इन दोनों को अड़ाया और इन लोगों के जो हैं वो मज़े ले लिए हैं है ना ठीक है आज क्या ये चैप्टर फुल पढ़ाएंगे बेटा इसके दो पार्ट्स लेने पड़ेंगे मेरे को एक क्लास इसकी कल भी लूँगा ठीक है हाँ इसकी जो एक क्लास है ना बेटा वो कल भी होगी ठीक है दो पार्ट्स के अंदर ये वाला जो चैप्टर है बच्चों में पूरा हो पाएगा ठीक है ना तो देख सबसे पहले क्या किया ब्रिंग टू मेटल स्फीयर्स एंड बी सपोर्टेड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड इन कॉन्टेक्ट एन फिगर वन पॉइंट फोर ए ठीक है ब्रिंग अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड नियर वन ऑफ द स्पीयर हम लोगों ने क्या किया बेटा एक स्फीयर के पास में पॉजिटिवली चार्ज रॉड जो है वो लेकर आए है ना ये मैं तेरे को वैसे ही समझा रहा हूँ मार्किंग मत करना बस समझ ले जो मैं बता रहा हूँ तेरे को ठीक है जैसे ही ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर लेकर आते हैं तो ये न्यूट्रल कंडक्टर्स जो होते हैं इसके नेगेटिव चार्ज यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं पॉजिटिव चार्ज जो है बेटा वो दूर दूर चले जाता है पॉजिटिव चार्जेस क्या होते हैं वो दूर दूर जो है वो चले जाते हैं दिस लीव्स दिसर सर्फेस ऑफ दर भी रियर ऑफ स्फीयर भी बोथ काइंड मेटल स्वीयर एंड कैनोट एस्केप अभी एस्केप नहीं कर सकते दे देर फोर रिजाइड ऑन द सर्फेज एज शोन इन फिगर वन पॉइंट फोर बी सर्फेस के ऊपर जो चार्ज है बेटा वो रहता है जैसा कि साफ साफ दिख रहा है लेफ्ट सर्फेस ऑफ स्फीयर है एज एन एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज ठीक है उधर नेगेटिव आ गए सारे के सारे एंड द राइट सर्फेस ऑफ हैज एन एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज नॉट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द स्वीयर द लेफ्ट सर्फेस सारे इलेक्ट्रॉन तो भी जो है बेटा वो एक्यूमुलेट नहीं होते हैं ठीक है हम्म क्या सर इसके मजे कैसे लोगे कौन सा मजा लेना है क्या हो गया इस चैप्टर की और कितनी वीडियोस बनेंगी इस चैप्टर की और कितनी वीडियोस बनेंगी इस चैप्टर की और कितनी वीडियोस बनेंगी वाह ये ये अलग स्टाइल है स्पैम करने की एक ही मैसेज के अंदर तीन बार सेम मैसेज डालोगे तो और जोरदार है अच्छा चैट में निब्बा निब्बी भर गया है हाँ शब्बो प्लेस प्लीज डोंट डू दिस सिस्टर ओके <ुखुँँ> मुस्कान आई एम सेइंग एज योर ब्रदर ओके चौको बॉय जो है वो भाई बन गए हैं तो दिन में तो ये भैया बन जाते हैं और रात वाली क्लास के अंदर सैया बन जाते हैं ऐसा कैसे कर लेते हो यार ठीक है हम्म, बहुत बढ़िया आपने बोला था कि रॉड पास लाए और इसके मजे ले लिए हाँ मतलब वही तो है ठीक है <laughs> ठीक है यहाँ कोई तो मुझसे भी प्यार कर लो हाँ भाई बशीर भैया से भी प्यार कर लो भाइयों और बहनों <laughs> चलो देखो तो ऐसा क्या हुआ कि एज द नेगेटिव चार्ज स्टार्ट बिल्डिंग अप एट द लेफ्ट सर्फेस ऑफ ए अदर इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड बाई दीज इन अ शॉर्ट टाइम इक्विलिब्रियम इज रीज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द रॉड एंड द फोर्स ऑफ रिपल्शन ड्यू टू एक्यूमुलेटेड चार्जेस शोज द इक्विलिब्रियम सिचुएशन ये इक्विलिब्रियम वाली जो सिचुएशन है वो आप लोगों को बेटा नजर आ रही है ठीक है हाँ इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो अपन ने बना दी नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस जो है वो इकट्ठे हो गए ठीक है अब आगे ध्यान दें एज द नेगेटिव चार्ज स्टार्स बिल्डिंग अपट द लेफ्ट सर्फिस अदर इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल बाई दीज इन शॉर्ट टाइम इक्विबियम इज रीज अंडर द एशन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रक्शन ऑफ द रॉड एंड द फोर्स ऑफ रिपल्श शो इज द इक्लिब्रियम सिचुएशन द प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन तो फाइनली हो क्या गया? भाई यहाँ पर नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव आ गया जिसके कारण यहां पूरा नेगेटिव चार्ज हो गया और यहां पूरा कैसा चार्ज हो गया बटा तो पॉजिटिव चार्ज हुआ यहाँ जो नेगेटिव आए ना उसके कारण यहाँ जो नेगेटिव चार्जेस थे इसके अगल बगल वीपेल हो गए इस तरफ तो इसलिए पूरे के अंदर ही बेटा जो नेगेटिव चार्जेस है ना वो आ गए सरफेस एज शोन टिल द ग्लास रॉड इज हेल्ड नियर द दियर इफ द रॉड इज रिमूव आर नॉट एक्टेड बाई एनी आउटसाइड फोर्स एंड द रीडिस्ट्रीब्यूट टू देयर ओरिजिनल न्यूट्रल स्टेट तो जैसे ही हम लोग रॉड हटा लेते हैं तो वो वापस से अपनी उसी वाली स्टेट के अंदर चले जाते हैं बेटा जो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है है ना बेटा चलो भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हम्म चलो आओ ठीक है तो ये अपने को दिया हुआ है इन दिस प्रोसेस द मेटल विल इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन इसे लोग बेटा चार्जिंग बाय इंडक्शन बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड डज नॉट लूज एनी ऑफ इट्स चार्ज कॉन्ट्रेडिट टू द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय कॉन्टेक्ट मतलब देख कंडक्शन में तो चार्ज का ट्रांसफर होता था एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर हम लोग न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर देते हैं बिना अपने पास से किसी भी चार्ज को खोए तो इस वाली लाइन को सब लोग अंडरलाइन कर लेंगे कि इंडक्शन के अंदर एक बहुत जोरदार चीज़ हुई वो क्या थी बेटा कि चार्ज का लॉस नहीं हो रहा था पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड डज नॉट लूज एनी ऑफ इट चार्ज कॉन्ट्रेडिट टू द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट इस लाइन को स्पेशली अंडरलाइन कर लेना इंडक्शन में चार्ज जो है बेटा वो लॉस नहीं होता यह बात ध्यान रखना उतना का उतना चार्ज जो है वो आपकी जो इंड्यूसिंग बॉडी है उसके ऊपर रहता है समझ गए वेन इलेक्ट्रीफाइड नियर लाइट ऑब्जेक्ट्स सिमिलर इफेक्ट टेक्स प्लेस द रॉड्स इंड्यूस अपोजिट चार्जेज ऑन द नियर सर्फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड सिमिलर मूव टू द फार्दर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट जो हम लोग जानते हैं ठीक है दिस इवन द लाइट ऑब्जेक्ट इज नॉट अ कंडक्टर

बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की you don't have to study this. Yes. और अब आता है बेटा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी पांचवे आर्टिकल के ऊपर आ रहे हैं इसमें पंद्रह आर्टिकल है अगले में दस आर्टिकल और हैं ठीक है हाँ तो तरीके से पढ़ना पड़ेगा भाई साहब है ना हाँ मेरे हिसाब से आठ से नौ आर्टिकल अपन लोग आज कर लेंगे ठीक है या दस से दस बारह आर्टिकल आज कर लेंगे और फिर कल और अपन लोग दस बारह जो आर्टिकल हैं वो कर लेंगे जिससे पूरा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाए है।, है ना भाई आ जाओ हम्म तो सबसे पहले बेटा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं वाली लाइन पढ़ने की आप लोगों को जरूरत नहीं है आ जाओ एडिटिविटी ऑफ चार्जेस सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई बेटा एडिटिविटी से शुरुआत हुई वी हैव नॉट एज येट गिवन अ क्वानिटेटिव डेफिनेशन ऑफ अ चार्ज

कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हैज बीन इस्टेब्लिश्ड एक्सपेरिमेंटली बेटा एक्सपेरिमेंटली इसको अपन ने एस्टेब्लिश किया है ऐसे कोई रूल जो है वो बस ऐसा नहीं लिख दिया एक्सपेरिमेंट्स कर करके देखा और फिर क्या पाया नेट चार्ज जो है वो हमेशा सेम आ रहा था समझ गए खाली रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकता है क्या हो सकता है रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकता है तो इसको अगर ऐसे समझना है ना तो ऐसे समझ लो ऐसे मान लें तेरे पास में कोई बॉडी है इस बॉडी के अंदर यहाँ पे प्लस पाँच कुलम का चार्ज था ठीक है यहाँ मान लें माइनस तीन कुलम था यहाँ मान लो बेटा प्लस छः कूलम का चार्ज है ना अब इसी बॉडी के अंदर जब अपन दोबारा बनाए तो पॉसिबल है कि यहाँ पर आपके पास में प्लस चार कूलम का चार्ज आ जाए यहाँ पर आपके पास में बेटा कहीं माइनस टू कूलम का चार्ज आ जाए कहीं माइनस वन कूलम का चार्ज आ जाए और यहाँ आपके पास में प्लस सात कूलम का चार्ज आ जाए तो रीडिस्ट्रीब्यूशन कैन टेक प्लेस क्या हो सकता है बेटा रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पर हो सकता है जिसकी आपको कोई चिंता नहीं करनी है ठीक है प्रगति एक बात पूछूँ पूछो बेटा पूछो बिल्कुल पूछो मैंने आपकी बात पहुँचा दी ठीक है कल से करेंट स्टार्ट नहीं बेटा कल से नहीं हो पाएगा क्योंकि ये चैप्टर ख़त्म नहीं होगा ना इसकी एन पढ़ेंगे उसके बाद में करेंट स्टार्ट करेंगे ठीक है हाँ बिल्कुल है ना बेटा हूँ चलो इसको ब्लॉक करते हैं बहुत देर हो गई किसी को ब्लॉक किए हुए ये बैठा हुआ है क्रिश बजाज सर नेम तो इतना भारी है हरकतें इतनी टुच्ची कैसे हैं है ना एनी सर ये कंप्यूटर है यार डिजिटल बोर्ड अन अकेडमी ने ऑफ़र किया है हाँ बेटा डिजिटल बोर्ड है बड़ा कंप्यूटर भी है और डिजिटल बोर्ड भी है ठीक है हाँ चलो चलो आओ <laughs> चलिए हाँ जी तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर अब अपन लोग आ रहे हैं ठीक है यहां पर पहले देख ले इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज कैरियड बाय एनी आइसोलेटेड सिस्टम ऑल द चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स मे बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ प्रोसेस समटाइम्स नेचर क्रिएट चार्ज पार्टिकल्स अ न्यूट्रॉन टर्न्स इनटू अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन ये सब चीजें अपन लोग पढ़ेंगे बीटा प्लस बीटा माइनस डी वगैरह जो होता है उसमें द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दस क्रिएटेड हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एंड द टोटल चार्ज इज जीरो बिफोर एंड आफ्टर द क्रिएशन समझ गए ये सब चीजें हमारी जिंदगी में अपने को देखनी होती है, है ना भाई आजा और अगर सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को जरूर से लाइक कर देना बेटा और रात को नौ बज के पंद्रह मिनट पे हम लोग क्या करने वाले हैं आज से थर्मल एक्सपेंशन जो है वो चालू करेंगे स्पेशल क्लास में उसका लिंक आपको कहां मिलेगा बेटा एट द रेट एनएम फिजिक्स के ऊपर ये हमारा टेलीग्राम चैनल है ठीक है इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको जो लिंक है बेटा वो मिलेगा तो जरूर से इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है किसी भी हाल में जिससे आज रात को थर्मल एक्सपेंशन जो है उसको बहुत जबरदस्त स्टाइल में शुरू करें थोड़ा सा पढ़ेंगे और ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे ठीक है चलो तो भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसकी बात हो रही है क्वांटाइजेशन एक्सपेरिमेंटली इट इज दैट ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ अट चार्जेड बाई दस चार्ज क्यू ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज गिवन बाय क्यू इक्वल्स टू एनी हाँ किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज कैसे दोगे क्योंकि सही तो दोगे इसमें प्लस माइनस और लगा लेते हैं एन की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस इंटीग्रल होती है ये बात अपन लोग जानते हैं ठीक है भाई साहब देखो एन इज एनी इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव जैसा अभी मैं आप लोगों को बता रहा था दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ठीक है दिस बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज द चार्ज दैट एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैरी बाय कन्वेंशन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज टेकन टू बी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज मान के चलते हैं ठीक है इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज मान के चलते हैं नेगेटिव चार्ज जो है बेटा वो अपन लोग मान के चलते हैं ठीक है हाँ ये कन्वेंशन है चार्ज ऑन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ऑड एज चार्ज का मतलब यही है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता e, है इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सिचुएशन इन फिजिक्स वेयर सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज आर क्वांटाइज्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वॉज फर्स्ट सजेस्टेड बाई द एक्सपेरिमेंटल लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिस डिस्कवर्ड बाय फेराडे फेराडे ने दिया था बेटा देख ले पूछ सकते हैं भाई साहब अंडरलाइन कर लो एनसीआर टी है ठीक है इट वॉज एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड बाई मिलिकन इन उन्नीस बारह उन्नीस बारह जानते हो क्या है डू यू नो वॉट इज नाइनटीन कैन एन वन टेल मी व्हाट इज नाइनटीन टवेल्व हाँ कौन बताएगा उन्नीस बारह बताओ जल्दी से उन्नीस बारह को क्या हुआ था अरे बोलो बोलो कोई तो बता दो नहीं पता नहीं पता अरे उन्नीस बारह को तुम्हारा मास्टर पैदा हुआ था नाइनटीन ऑफ डिसम्बर उन्नीस बारह एक ईयर है हाँ एक ईयर है पर वैसे अगर तुम लोग डेट और मंथ में लिखोगे तो तुम्हारे मास्टर की बर्थडे बन जाती है तुम सोचते नहीं हो देखो

वो बेटा ये होती है तो ये बात ध्यान रखना ठीक है ओ मगो तुरु जन्म हाँ और क्या उन्नीस बारह देख साल ही ऐसा है अपनी डेट ही ऐसी है जिस साल में ऐसा ऐसा हुआ था तो कितनी जोरदार बात है ये अपने आप में है ना भाई हाँ चलो हाँ जी तो देखिए भाई है ना ये अपन लोग पढ़ेंगे बेटा आगे तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है वैल्यू ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो ये वही वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की बार माइनस नाइनटीन जो अपन लोग लेके चलते हैं वो वाली वैल्यू यहाँ पर लिखिए देर आर अबाउट सिक्स इंटू टेन की पार एटी इलेक्ट्रॉन्स इन अ चार्ज ऑफ माइनस वन कुलम मतलब सोच रहे हो छह इंटू दस की पार अट्ठारह इलेक्ट्रॉन होता है माइनस वन कुलम के अंदर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टिकार्जेस ऑफ दिस लार्ज मैग्नीट्यूड आर सेल्डम एनकाउंटर्ड इतने बड़े बड़े चार्ज जो है वो अपने को कम ही मिलते हैं इसीलिए माइनस मतलब माइक्रो कूलम के अंदर जो वैल्यूज है वो टब वो चलती है तो प्रैक्टिकल यूनिट तो असली में माइक्रो कूलम है ठीक है मिली कूलम माइक्रो कूलम इसके अंदर आप लोगों को मिलेगा एक कूलम तो बहुत बड़ा होता है ठीक है इसलिए आप फिजिक्स टीचर हो और क्या सर ये सब आपके लिए हुआ था और क्या देख ले बेटा कितनी रिसर्च के बाद मास्टर पैदा हुआ था <laughs> मम्मी आपा से जाके बात करूँगा ठीक है कि उन्नीस बारह डेट क्यों आई चलो इफ द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द ओनली बेसिक चार्जेस इन द यूनिवर्स ऑल द ऑब्जर्वेबल चार्जेस हैव टू बी इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ई इफ अ बॉडी कंटेन्स एन वन इलेक्ट्रॉन्स एंड एन टू प्रोटोन्स टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी इज एन टू प्लस एन वन एन टू माइनस ई मतलब एन टू माइनस एन वन एन टू तो बस वही करना है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का नेट निकाल ले घटा के मल्टीप्लाई बाय ई कर दे वो तेरे पास में नेट चार्ज होगा सिंस एन 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 वन एंड टू आर इंटीजर द चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ़ ई एंड कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज है ना ऑल्सो इन स्टेप्स ऑफ ई हमेशा बेटा ई e का इंटीग्रल मल्टीपल होगा ये वाली बात ध्यान रखना ठीक है हाँ समझ गए बेटा हाँ चलो भाई बहुत बढ़िया एक और स्पैमर आया आओ कितना मजा आता है ब्लॉक देखना ही नहीं मेरे को इन लोगों के मैसेज ठीक है हाँ इससे अच्छा तो ये प्यार मोहब्बत करने वाले हैं कम से कम काम की बात तो करते हैं प्यार ही करते हैं परमानेंटली एटलीस्ट स्पैम तो नहीं करते हैं प्यार मोहब्बत करते रहते हैं जैसे नेहा क्रेजी है अपनी नेहा क्रेजी क्या करती है बेटा मैसेज करती है डिलीट करती है एक लड़के को करती है फिर दूसरे को करती है फिर तीसरे को करती है ठीक है इसी प्रकार से लड़के जो हैं वो एकदम खुलेआम नेहा क्रेजी को मैसेज करते हैं बिना ये जाने कि नेहा क्रेजी एक लड़का है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की प्यार मोहब्बत चलती है बट एटलीस्ट मेरे को इस बात की खुशी है कि ये जो बच्चे हैं ये स्पैम नहीं करते हैं बेचारे आते हैं देखो इतने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे बच्चे हैं आते हैं एकदम तरीके से क्या करते हैं बेटा तरीके से प्यार मोहब्बत की बात करते हैं जो इनके बहुत प्राइवेट मैसेज होते हैं उनको खातों हाथ डिलीट भी कर देते हैं जिससे कि मास्टर पढ़ ना ले तो देखो तो सही मतलब कितनी बढ़िया चीज करते हैं बच्चे हमारे है ना हाँ चलो अब आओ यहाँ देखो बेटा है ना सर एट लीस्ट कैन डू एन सी आर टी डी क्रैक इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स आई विल टॉक अबाउट इट बेटा फॉर श्योर ठीक है हाँ आई विल टॉक अबाउट इट मिस नेघा डोंट वरी ठीक है हाँ तुरू यस दिस इज तुरू गाइस गाइज कान टू अंडरस्टैंड दिस इज तुरू ठीक है चलो द स्टेप साइज ई इज हाव एवर वेरी स्मॉल बिकॉज एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल वी डील विथ चार्जेस ऑफ अ फ्यू माइक्रोकुलम्स एट दिस स्केल द फैक्ट दैट चार्ज ऑफ अ बॉडी कैन इंक्रीज और डिक्रीज इन यूनिट्स ऑफ ई इज़ नॉट विजिबल

जो सब चीजें लिखनी ही नहीं होती वो सारी चीजें कहां लिखी है एनसीआर के अंदर लिखी हुई है जिससे कि आप और ज्यादा कंफ्यूज हो ठीक है हाँ है ना देखो एज मेनी पॉइंट्स वेरी क्लोज टू इच अदर नॉर्मली इंप्रेशन ऑफ अ लाइन मेनी स्मॉल चार्जेस टेकन टूगेदर अपियर एज अ अंस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो इसीलिए अपन लोग रॉड को क्या करते हैं डीक्यू 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 डीकू करके तोड़ देते हैं समझ गए एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल वन डील्स विद चार्जेस दैट आर इनॉर्मस कम्पेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ई क्योंकि ई की वैल्यू ये होती है चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड वन माइक्रोकुलम है ना कंटेन समथिंग लाइक टेन की पार थर्टीन टाइम्स द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब ई e की वैल्यू में टेन की पार्ट थर्टीन और लाओ तब जाके आपके पास में आएगा एक माइक्रोकुलम की जब बात करेंगे ठीक है हाँ एक माइक्रोकुलम

पर नहीं होता क्वांटाइजेशन होता है लेवल के ऊपर उसका कोई प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस नहीं होता है बात ध्यान रखना एंड इट कैन बी इग्नोर क्लियरली मैं एनसीआरटी में लोग इसके ऊपर लड़ मरे लोगों ने लाइन ही नहीं पड़ी एनसीआर की क्यों नहीं पड़ी भाई मेरी गलती है क्या है ना बच्चों को भी उल्लू बनाया ठीक है बच्चों को भी बैंकर वाला उल्लू बनाया पढ़ी खुद ने नहीं थी तो ये तो गलत बात है ना पढ़ना तो पहले टीचर को तो बेटा किताब एक बार पढ़ी हुई होनी चाहिए ना हाँ तो वो तो नहीं चार्ज कंजर्वेशन तो वैलिड है अरे भाई माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक दोनों लेवल्स आपको कंसिडर करके चलने होते हैं कैसे वैलिड है ठीक है मैनी टाइम्स यू टेल इट आई टॉक अबाउट इट दिस टाइम नॉट फॉर गेट वर्ड्स इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज हेल्प्स बेटा यू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड टॉक टू मी देर यस प्लीज़ जॉइन द टेलीग्राम चैनल बिकॉज आई कनाट अंडरस्टैंड द इंग्लिश दैट यू आर राइटिंग हियर इट इज़ ऑफ अ वेरी हाई लेवल सो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वॉट यू आर राइटिंग जस्ट डू वन थिंग ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल सो दैट आई कैन कन्वर्स विद यू देयर ऑलराइट ऑलराइट बच्चे है ना जस्ट डू दिस मच ओके हाँ फिजिकल केमिस्ट्री भी पढ़ा दो केमिस्ट्री में है ही क्या पढ़ा देंगे ठीक है तो इस चीज़ को बहुत तरीके से याद रखना बेटा ठीक है माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर यू कैन इग्नोर क्वांटाइजेशन एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल चार्जेस क्वाना आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू टेंस और टेन्स्रेड ऑफ ई यहां पर हम लोग बेटा इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं यहां पर एकदम मस्त होता है दे कैन बी काउंटेड दे इन डिस्क्रीट लंप्स एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैनोट बी इग्नोर इट इज द स्केल इन्वॉल्व दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्केल मतलब समझ रहे हो किस रेंज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ठीक है किस रेंज के बारे में हम बात कर रहे हैं बहुत बड़े चार्जेस की बात कर रहे हैं वो छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू चार्जेस की बात कर रहे हैं उस पर वाली बात जो है डिपेंड करती है ठीक है चलो हम्म तो देख क्वेश्चन क्या बोला तेरे से इफ बोलातेन की पार नाइन इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकंड हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ वन कूलम ऑन द अदर बॉडी कितना बढ़िया सवाल है देख अब ऐसे सवालों के अंदर लोग बोलते हैं कि ऐसे सवाल बहुत हाई लेवल होता है होते कुछ भी नहीं है एनसीआर का क्वेश्चन है अभी के अभी करके देखेंगे जिससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा ठीक है हम्म हम्म जल्दी आओ एक और बंदा गया तारों के शहर में अरे तारों के शहर के अंदर इतने सारे हमारे जगमगाते सितारे इकट्ठे हो चुके हैं ना जिसकी कोई हद नहीं है ठीक है हाँ मतलब ये इस तरह के लोग हैं जो पुरुष ही नहीं है मतलब महापुरुष है ऐसे समझो ठीक है देखो एक सेकंड के अंदर दस की पावर नौ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं क्या दिया हुआ है यही दिया ही ना? 10 है ना टेन की पावर नाइन इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकंड है ना हाँ तो एक सेकंड में दस की पावर नौ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ द बॉडी दे आर फोर द चार्ज गिवन आउट इन वन सेकंड इज वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर नाइन माइनस नाइनटीन तो होता ही है उसको टेन की पावर नाइन से क्या कर ले बेटा मल्टीप्लाई कर ले ठीक है hmm. हम्म क्लास नाइन में कितना प्रेशर लेते हो दवा देख के मैं डिस डिप्रेस हो गया एक और लवर आ गया अरे मैंने बताया ना अभी क्या है ये लोग तो समझो तो सही ठीक है चलो आओ है ना द टाइम रिक्वायर्ड टू एक्ूमुलेट अ चार्ज ऑफ वन कूलम कैन देन बी एस्टिमेटेड बाय तो भाई एक कूलम को सबसे पहले तो अपन लोग जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर होंगे वो निकाल ले ठीक है और वो कितने होंगे एक सेकेंड के अंदर ये अपन ने निकाल लिए थे तो ये आ गया कितना वन कूलम डिवाइडेड बाई वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस टेन कुलम पर सेकेंड तो आंसर क्या आ गया into 10 की की या फिर किस में कन्वर्ट कर रहा है सालों में कन्वर्ट कर रहा है तो अगर ईयर्स में आंसर देना है तो वन नाइनटी एट ईयर्स और अगर सेकंड की बात करें तो सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन की पार नाइन सेकंड आप लोगों का आंसर है इन सेकेंड्स तो सोच अगर एक सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं कितना अमेजिंग रिजल्ट है इसको सोचना अगर एक सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी बॉडी से बाहर निकल रहे हैं तो बेटा एक कूलम चार्ज ट्रांसफर करने में तेरे को 200 साल लग रहे हैं माई गॉड हाउ ब्यूटिफुल इज दैट जस्ट इमेजिन है ना hmm. यू वोंट बिलीव कि पता है तुम लोगों को हबल टेलीस्कोप का तुम लोगों ने नाम सुना होगा ऐसे ही बता रहा हूँ तुम लोगों को है ना इंटरेस्टिंग है हबल टेलीस्कोप से जो बेटा सबसे पहली इमेज आई थी ना पहली इमेज जब साइंटिस्ट लोगों ने देखी थी ना उसको वहाँ छोड़ने के बाद में हबल टेलीस्कोप पता है तुम्हें सोलह किलोमीटर पर आर की स्पीड से घूमती है समझ गए हाँ सोलह किलोमीटर बहुत तेज ऐसे थोड़ी है कि ऐसे देखा तुम लोगों ने और यहीं दिख गई ये भी हबल टेलीस्कोप ये जा रही है सोलह हजार किलोमीटर समझ गए हाँ तो ऐसे ही क्या हुआ ना जब वो फोटोज वोटोज ले रही थी तो जुपिटर के ऊपर है ना एक कॉमेट जो है वो टकराना था जो कि जुपिटर की ग्रेविटी के अंदर आके उसी के अंदर बंद गया था और फिर जु, जुपिटर के अंदर जाके टकरा गया उसकी इमेजेस उसने खींचकर जब भेजी एंड साइंटिस्ट सॉ देट इमेज तो दे दे स्टार्टेड क्राइम के क्या देख लिया आज हम लोगों ने यार इट इज समथिंग रियली वेरी ब्यूटीफुल साइंस का अमेजमेंट ऐसा होना चाहिए अब यहाँ देख एक कुलम चार्ज जिसके अंदर दस की पावर नौ इलेक्ट्रॉन हर सेकंड तुम लोग ट्रांसफर कर रहे हो तो 200 साल लग जाएंगे तुम्हें ट्रांसफर करने में इट इज लाइक कि तुम मान लो बिल गेट्स हो और तुम रोज एक करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो तो तुम्हें कितना टाइम लगेगा खर्च करने में सोच <laughs> उसकी संपत्ति खर्च करने में अगर तू रोज भी एक करोड़ रुपए खर्च करता है है ना तेरे को सालों लग जाएंगे सालों सालों मतलब तेरे पूरा जीवन खत्म हो जाएगा तेरे पुस्तों का जीवन खत्म हो जाएगा सब निकल जाएगा पर तू एक करोड़ रुपये रोज भी खर्च करेगा ना भैया तो भी उसके पैसे खत्म नहीं होंगे ये बात ध्यान रखना ठीक है चार्ज ऑफ कूलम इट टेक्स नियरली टू हंड्रेड इयर्स कितने साल लग जाते हैं बेटा दो अबे क्या हो रहा है ये कितने साल लग जाते हैं बेटा दो सौ साल लग जाते हैं वन कुलम इज देयर फॉर अ वेरी लार्ज यूनिट फॉर मैनी प्रैक्टिकल परपजेज इट इज अवर आल्सो इंपॉर्टेंट टू नो वॉट इज रफली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेंट इन अ पीस ऑफ वन क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अ अ अ मेटेलिक ऑफ क्यूबिक पीस ऑफ कॉपर ऑफ साइड वन सेंटीमीटर कंटेंट्स अबाउट टू पॉइंट फाइव इंटू टेन की ट्वेंटी फोर इलेक्ट्रॉन ठीक है हाँ क्यूबिक पीस मतलब समझ रहे हो एक मीटर साइज का क्यूब क्यूबिक पीस का मतलब समझ गए ना हाँ एक सेंटीमीटर साइड का क्यूब लिया है अपन लोगों ने यहाँ पे और एक सेंटीमीटर साइड के क्यूब के अंदर टू पॉइंट फाइव इंटू टेन की पार्ट ट्वेंटी फोर होते हैं समझ गए इट इज अ गुड फिगर जो आप लोगों को याद रखना है इसको मार्क कर लेना अरे ये कभी एक बार देखा हुआ भी होता है ना तो हम लोग चीजों को कर लेते हैं ठीक है, सा दिमाग के अंदर रहती है। मेरे बच्चों आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं बेटा आओ है ना हाउ मच पॉजिटिव एंड चार्ज देयर इन कप ऑफ वाटर ओ माई गॉड ये कैसा सवाल है अब जब ऐसे सवाल तुमसे पूछते हैं ना भाई साहब भयंकर रूप से लौटते हो तुम लोग एक कप पानी के अंदर कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज हैं ये आपका क्वेश्चन है तो अपन ने मान लिया कि मास जो है एक कप पानी का वो ढाई सौ ग्राम है अब पता है जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ना तो लोग बोलते हैं मास क्या माने ऐसे अपने आप थोड़ी ना मान लेंगे तो वो अपने आप मानना पड़ता है एक कप पानी में करीब 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 ढाई सौ ग्राम पानी आ जाता है ऐसा मान के चल रहे हैं अब एन सी आर टी में अगर कोई स्टैंडर्ड माना हुआ है तो यू हैव टू ट्रीट दिस एज एन स्टैंडर्ड एज ए स्टैंडर्ड क्वान्टिटी समझ गए हाँ यू हैव टू ट्री ट्रीट दिस एज ए स्टैंडर्ड यस yes. तो ध्यान रखना एक कप पानी में ढाई सौ ग्राम होता है ठीक है पहली बार देखा है ऐसा क्वेश्चन तो एनसीईआरटी देखी नहीं थी ना तूने इससे पहले चलवा हाँ एनसीईआरटी देखती तो तेरे तो को समझ में आता ओ माँ गो कर रहे हैं आप ठीक है ये कैसे नहीं बस एक स्टैंडर्ड कंसिडर कर लिया एक बॉटल में एक किलो पानी आता है मान ले स्टैंडर्ड है ठीक है ऐसे ही एक कप में ढाई ग्राम पानी आता है मैंने जब तुम्हें वर्क पावर एनर्जी की एन कराई थी तो उसके अंदर एथलीट का मास सिक्सटी फाइव के जी मान के चलते हैं उसके हिसाब से आंसर दे देते हैं ऐसे ही एक कप के अंदर ढाई ग्राम पानी आता है मान के चलो सर हिंदी मीडियम वालों को कब पढ़ाएंगे बेटा तेरे को अगर मेरी ये वाली भाषा समझ में आ रही है जिससे मैं बात कर रहा हूँ तो मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ वो तो एन की रीडिंग है इसलिए एन ऐसे मैं रीड करवा रहा हूँ इंग्लिश में अदरवाइज तो इंग्लिश हिंदी सबको क्लास जो है वो समझ में आ जाती है डोंट वरी ठीक है हम्म गाइज टुडे आई एम सेवर वेरी गुड बेटा दैट्स अ ग्रेट थिंग वेरी नाइस थैंक यू सो मच हाँ जितना मैंने उतना नहीं मानना है जो यहाँ लिखा हुआ है एक स्टैंडर्ड वो मान के चलना है तो मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर जो है वो अट्ठारह ग्राम होता है देख ये डेटा अपन लोग जानते हैं ठीक है एच टू ओ समझ गया दस वन मोल जो होता है सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन थ्री ट्वेंटी थ्री मोलिकूल ऑफ वॉटर इज अट्ठारह ग्राम दे आर फोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन कप ऑफ वाटर तो ढाई सौ अपन इंटू दिस तो अपन ने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले सबसे पहले अब ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स दो हाइड्रोजन एटम एंड वन ऑक्सीजन एटम एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होता है ठीक है तो दस तो इलेक्ट्रॉन होते हैं और बेटा दस आपके पास में प्रोटोन होते हैं ठीक है थीके? हाँ अरे ऑक्सीजन के आठ हाइड्रोजन के दो तो दस इलेक्ट्रॉन हो गए और दो क्या हो गया बेटा प्रोटॉन हो गए आप लोगों के पास में हैज द टोटल पॉजिटिव एंड टोटल नेगेटिव चार्ज हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव का क्या हो गया सेम मैग्नीट्यूड वैसे भी स्टेबल कंपाउंड बन रहा है टोटल पॉजिटिव एंड टोटल नेगेटिव द सेम मैग्नीट्यूड इट इज इक्वल टू अब ये 250 इंटू सिक्स पॉइंट जीरो थ्री किससे और मल्टीप्लाइ कर दिया दस इलेक्ट्रॉन ये दस इंटू e. तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है एसोन सबसे पहले मैंने क्या निकाले नंबर ऑफ मोल्स ठीक है मोल्स निकालने के बाद में अपन ने क्या निकाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले तो मोल्स इंटू मॉलिक्यूल्स किया तूने ठीक है नहीं मोल्स इंटू मॉलिक्यूल्स थोड़ी किया क्या लिख रहा हूँ ये मैं हमने यहाँ पर कहाँ से शुरू किया ये वाली चीज़ समझाना चाह रहा हूँ ठीक है मोल्स इंटू एन ए ये फॉर्मूला याद रखना मोल्स इंटू वर्ट एन एन ए समझ गया नंबर ठीक है दिस मल्टीप्लाइड बाय है ना जो भी आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है सिस्टम के अंदर वो ठीक है उसको लेंगे अपन लोग कितना है बेटा यहाँ पर टेन तो यहां पर मैंने लिखा एन छोटा एन ठीक है मल्टीप्लाइड e यहां से आप लोगों को पता लगता है कि कितना चार्ज जो है वो मौजूद है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज देयर इन वन कप ऑफ वाटर तब यह आंसर आएगा इस फॉमूले को याद रख हर चीज क्लास में थोड़ी ना पढ़ाते हैं कुछ चीजें एनसीईआरटी में भी होती हैं अरे बता तो दिया रोहित कुमार अब तेरे को ब्लॉक ही होना है तो अलग बात है ठीक है आ, हेलो श्रीया। हाँ हेलो श्रेया हाँ बेटा प्रगति जंगड़ा जी पूछ रहे हैं क्यों ऐसा क्या हुआ है वाई आर यू फीलिंग लो अच्छा बेटा ठीक है व्हाट हैपन शब्बो ओहो शब्बो की भी चिंता है पता नहीं चौको बॉय ओके यार लाइव में ही जा सकते हो अभी तो हाँ अभी चैट तो लाइव में ही होगी या फिर कोई कल वल का सेशन बना हुआ होगा तो उसके अंदर मिल लेंगे अपन लोग चैट बॉक्स वहाँ पे ओपन होता है तो तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर कुछ लोग तो यहाँ पर अदर चैनल का प्रचार करते हैं आकर करने तो आप क्या कर सकते हैं ठीक है इन टेक्स्ट अच्छे से करवा दो सर इन टेक्स्ट से इन टेक्स्ट ही आपकी ज़्यादा ज़रूरत है हाँ बेटा बिल्कुल मैं करवा रहा हूँ और कैसे करवाते हैं हाँ अच्छा रेस्ट कर ले माइंड फ्रेश हो जाएगा तेरा सर जी ये स्पैमर आपकी क्लास में आते हैं क्या ज़्यादा क्या पता बेटा किसकी में ज़्यादा आते हैं किसकी में कम आते हैं ये तो अपने को पता नहीं पर मेरी क्लास के टाइम पर क्या है ना इनके मन के अंदर बहुत सारे जो है ना वो भाव उछल उछल के आ रहे होते हैं वो टाइम ही ऐसा है ग्यारह बजे से एक डेढ़ बजे तक का जो टाइम होता है ना इस टाइम पर स्पैम करने की जो प्रजाति है स्पैमर्स वाले जो लोग हैं इस प्रजाति के अंदर जो फूल हैं वो बहुत कुसुमित हो रहे होते हैं वो बहुत प्रफुल्लित हो रहे होते हैं और इस कारण ये जो समय है ग्यारह बजे से एक बजे तक का इस समय ये लोग ज़्यादा विचरण करने के लिए मेरी क्लास के अंदर आते हैं तो बस ऐसी बात है बाकी क्या है ना बहुत सारे दुनिया के अंदर है ना बेटा बहुत सारे दुनिया के अंदर इस तरह के लोग हैं जो चाहते हैं कि क्लास के अंदर माहौल जो है वो ख़राब किया जाए बट एनी अपन तो पढ़ते हैं ठीक है आप एन नहीं पढ़ाते तो कभी नहीं पढ़ते हो मेरे को पता है ना बेटा पढ़ सकते ही नहीं हो ऐसी कोई नींद लाऊ किताब कहाँ से पढ़ते तुम लोग ठीक है चलो अब आया बेटा कूलम्स लॉ फाइनली वी रीच्ड कूलम्स लॉ, जो अपन लोग दूसरी क्लास के अंदर पढ़ लेते हैं वो बेटा अब आया है ठीक है चलो भाई हाँ ग्यारह से एक का टाइम इन लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक है इनके लिए जो स्वच्छंद विचरण का जो समय है वो 11 से 1 बजे वाला है जो इनके लिए बहुत जरूरी है अगर ये इस समय बेटा स्वच्छंद विचरण ना करें तो इन लोगों को खाना नहीं मिलेगा इनके मन की भूख जो है वो शांत नहीं होगी तो इसलिए ये जो स्पैम करने वाले लोग हैं इन्हें स्वच्छंद विचरण करने दें इन्हें प्यार मोहब्बत करने दें दुनिया में प्यार की बहुत ज़रूरत है बेटा इसीलिए इनको प्यार मोहब्बत करने दें ठीक है हाँ ठीक है सर आप स्टडी कम्युनिटी के कैरी मनाती हो <laughs> अरे बाबा कैरी मिनाती अपनी जगह है ना अपन अपनी जगह है ठीक है चलो आओ कूलम्स लॉ इज अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस व्हेन द लीनियर साइज ऑफ चार्ज बॉडीज आर मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस सेपरेटिंग देम द साइज में बी इग्नोर्ड एंड द चार्ज बॉडीज आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस कूलम मेजर्ड द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एंड फाउंड दैट इट वेरी इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस

Important, star बना लेना torsion balance. कौन क्या नाम है इसका? Torsion balance है है बेटा 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 इसका ठीक सर आप हिंदी के था था नहीं मैं English का student था, पर मेरे को हिंदी भी बहुत अच्छी लगती है सर क्या हिंदी बोलते हो हाँ, बेटा हाँ, मैंने जब बच्चों को फिजिक्स पढ़ाई ना हिंदी के अंदर तब मेरे को एहसास हुआ कि हिंदी जो है वो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है यस मेरे को उससे पहले बहुत मतलब मैं कम इज्जत किया करता था ऐसा समझ लो हिंदी भाषा की बट जब मैंने आप लोगों को हिंदी के अंदर फिजिक्स यानी भौतिकी को पढ़ाया तब मेरे को पता लगा कि यार असली फील तो एक्सेलरेशन को त्वरण बोलने में आती है वेलोसिटी को वेग बोलने में आती है स्पीड को चाल बोलने में आती है मोशन को गति बोलने में आती है समझ गए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है स्थिर वैद्युत की चार्ज होता है आवेश कितना मजा आता है बोलने में ठीक है तो इस तरह की चीजें ठीक है टॉर्शन का मतलब समझते हो टॉर्शन होता है मरोड़ी बैलेंस ठीक है ठीक है ना चलो खैर टॉर्शन बैलेंस क्या होता है इट इज डिवाइस टू मेजर फोर्स इट वॉज ऑल्सो यूज लेटर बाय टू मेजर द वेरी फीबल ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स टू वेरीफाई न्यूटन ऑफ ग्रेविटेशन ठीक है ध्यान रखना टॉर्शन बैलेंस से क्या मेजर किया जाता है असली में फोर्स मेजर किया जाता था तो इस साल एक क्वेश्चन आया था याद करो तुमसे बैलेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर स्पेक्ट्रोमीटर का अगर तुम्हें याद हो तो ठीक है तो ये वही वाली चीज है समझ गया ना किसने यूज किया ये सवाल नहीं आएगा पर ये आ सकता है कि टॉर्शन बैलेंस से मेजर क्या करता है समझ गए बच्चों हाँ, आ जाओ आगे बढ़ते हैं चला गया सेपरेशन बिटवीन टू स्पीय दे रेडियस में भी रिगार्डेड एस पॉइंट चार्जेस पॉइंट चार्जेस की तरह ट्रीट करते हैं हम लोग चार्ज स्टियर्स को चार्जेस ऑन द स्पियर्स अनोन टू बिगिन विद हाउन

कूलम कूलम मतलब कि तो ध्यान रखना ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है बार -बार. है है बार-बार ठीक ठीक कैसे आया आया क्यों अपन तो ऐसे करते हैं कि न्यूटन ने निकाला जी एम वन एम टू बायर स्क्वायर ने उसकी कॉपी में यू झांक के देखा क्या लिख रहा है अपन जी का नाम रखेंगे K. K M1 M2, चलो. Q1 Q2. डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आर तो आर ही रहेगा डिवाइडेड बाय आर स्क्र आ गया तो कूलम ने अपना जो लॉ है बेटा वो ऐसे ही बनाया था ठीक है हाँ, कूलम का लॉ जो है वो तो कॉपी हुआ था अपन तो ऐसे मान के चलते हैं हालांकि असलियत यह नहीं थी ठीक है कूलम्स लॉ सिंपल मैथमेटिकल स्टेटमेंट वॉज इनिशियली एक्सपेरिमेंटली अराइव एंड इन द मैनर डिस्क्राइब वेल द ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट स्टेबलिड एट मैक्रोस्कोपिक लेवल इट मैक्रोस्कोपिको बिन स्टैब्लिश नाउ टू सब एटोमिक लेवल यानी कि एक एंडस्टॉम के ऊपर भी अब ये वैलिड है पहले इसको बोलते थे कि बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए ही ट्रू है बेटा ठीक है हाँ नहीं नहीं स्पेक्ट्रोमीटर डज नॉट मीन टॉर्शन बैलेंस मैं बस बता रहा था कि इस तरह के सवाल जो हैं वो आए हुए हैं कि इससे किस चीज से क्या चीज मेजर की जाती है ठीक है स्पेरोमीटर का सवाल स्पेक्ट्रोमीटर का सवाल ये सब चीजें ठीक है हाँ कुलम तो हैंडसम है बहुत हैंडसम था देखो अभी दिखाएंगे इसकी शक्ल तो कुलम डिस्कवर्ड हिज लॉ विदाउट नोइंग द एक्सप्लिसिट मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इनफैक्ट इट इज द अदर वेराउ कुल्स लॉ कैन नाउ बी एम्प्लॉयड टू फर्निश अ डेफिनेशन फॉर अ यूनिट ऑफ चार्ज

चार्ल्स ऑगस्टिन डिकोलम ठीक है आ, जैसे लियोनार्डो द कैप्रियो लियोनार्डो द विंची थे उसी तरह से ये थे बेटा चार्ल्स ऑगस्टिन द कुलम ठीक है सेवनटीन थर्टी सिक्स से एटीन हंड्रेड एंड सिक्स फ्रांस से बिलोंग करते थे बेटा मिलिट्री इंजीनियर के अंदर थे वेस्ट इंडीज में सेवेंटी सेवेंटी सिक्स पेरिस गए रिटायर हो गए साइंटिफिक रिसर्च ही इन्वेंटेड अ एंड बैलेंस टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ फोर्स एंड यूज इट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन स्मॉल चार्ज फियर्स He thus arrived in 1785 at the inverse square law the law had been anticipated by Priestley and also by Cavendish. though Cavendish never published his results coulomb also found the inverse square law of force between unlike and like magnetic forces poles. poles poles ke beech mein bhi jo law hai wo inhonne hi diya tha theek hai zara pubg khelte ho pehle khelta tha beta ab nahi theek hai kisi zamane mein अब नहीं खेलते हैं. that is one coulomb is the charge and pleural distance of 1 meter from another charge of the same magnitude

एप्साइलम नॉट को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं वैल्यू ऑफ एप्साइलम नॉट अपने को पता है ठीक है हाँ समझे तो ये फालतू की बात है ना ये सब नहीं पढ़ना है इसको छोड़ दो ये सब तुम्हें आता है डोंट हैव टू स्टडी दिस गाइस बिल्कुल नहीं पढ़ना काट दो बिल्कुल काट दो हंड्रेड एंड टेन परसेंट काट दो बिना डरे काट दो ठीक है बिल्कुल काट दो बेटा हाँ सर आप साइंटिस्टों जैसे दिखते हो सर यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम्म ठीक है सर आप खेलते थे किसी ज़माने में बेटा अब नहीं बोल तो रहा हूँ। ठीक है हाँ है ना वैसे मेरे को मोबाइल लेजेंड्स जो है वो ज्यादा पसंद था हाँ आई यूज़ टू लाइक मोबाइल लेजेंड्स मोबाइल लेजेंड्स भी बैन हो गया तो इसलिए सब खत्म कर दिया अपन ने तो गेम पहले ही बंद कर चुका था आई स्टॉट प्लेइंग इन मे अदरवाइज तो अपन एकदम चिकन डिनर करते थे हर बार ठीक है हाँ काट दिया वेरी गुड और देख क्या काटना है है ना ये भी काट काटो काटपीट जहाँ मचानी है खटाखट काटते रहो टुई 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 काटो टाटा डिंग 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 ये अपन लोग क्लास के अंदर कर चुके हैं बार बार करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर कंपैरिजन है बेटा आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का ठीक है बेटा मैं हमेशा करवाता हूँ हर क्लास के बाद चिंतित मत हो आपका फेवरेट साइंटिस्ट कौन सा है मैं तो यार मतलब मैं थोड़ा जो अपने मैक्सवेल साहब है उनकी तरफ इंक्लाइंट रहता हूँ आइंस्टीन और मैक्सवेल की तरफ उनके वर्क्स को मैं थोड़ा सा ज़्यादा पाथ ब्रेकिंग मानता हूँ पर हाँ मतलब देखो न्यूटन तो न्यूटन ही थे तो यहाँ पर बस वो रेशोज़ के बारे में बताया हुआ है देख फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के जो मैग्नीट्यूड हैं वो अपन लोगों ने लिए हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटोन के बीच वाले ठीक है इलेक्ट्रॉन प्रोटोन के हिसाब से जब अपन लोग इनका रेशो लेते हैं तो टेन की पार थर्टी आता है अब अगर अपन लोग इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ प्रोटॉन के लिए बात करते हैं तो देख प्रोटॉन का जो है ना बेटा मास बदल जाता है पहले अपन ने किसके लिए लिया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेंगे अगर तो थर्टी नाइन की पावर आती है प्रोटॉन प्रोटॉन लेते हो तो पावर थर्टी सिक्स आती है ठीक है साइड में ऐसे लिखते हैं यहाँ पर यहाँ पर क्या लिया इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर क्या लिया बेटा प्रोटॉन ठीक है ये तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गया यहां पर क्या ले रहे हैं अपन लोग प्रोटॉन प्रोटॉन यानी कि E प्लस और E प्लस तो ये थर्टी नाइन या थर्टी सिक्स ठीक है मेरे बच्चों है ना और इसके बाद में हमने क्या लिया इसके बाद में हम लोगों ने लिया है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सट है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इज सेम एज माइगनेटवीर वो तो ठीक है है ना तो ये तो सिर्फ उसी का निकाला हुआ है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रो, प्रोटॉन का बस दो का ही निकाला हुआ है इलेक्ट्रॉन का नहीं है तो वो मैं तुम्हें करवा चुका हूँ ठीक है हाँ है ना ये देख एक्सेलरेशन वगैरह बता रखा है देख इलेक्ट्रॉन का कितना है टू पॉइंट फाइव इंटू टेन के पार्ट ट्वेंटी टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंपेयरिंग दिस विद द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वी कैन कंक्लूड इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज नेग्लिजिबल ऑन द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंडर गोज वेरी लार्ज एक्सेलरेशन अंडर द एक्शन ऑफ कूलम फोर्स ड्यू टू अ प्रोटॉन मतलब वो जो चारों तरफ घूम रहा है ना उसके बारे में बात की जा रही है ठीक है हाँ मेरे फेवरेट साइंटिस्ट एनएम सर है मैंने तो बस एनएम सर देखा है ठीक <laughs> है धन्यवाद जी धन्यवाद हालांकि आई एम नो साइंटिस्ट गई है ना आई एम जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बींग साइंटिस्ट डू मच मोर वर्क देन आई डू मेरे से बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो इसलिए बेटा साइंटिस्ट लोग को अलग इज्जत है मेरी तरफ से मैं वैसा कुछ नहीं करता जैसा वो लोग करते हैं ठीक है मैं तो बेटा मोह माया और भोग विलास हर चीज़ के अंदर लुप्त आदमी हूँ तो इसीलिए इन सब चीज़ों को साइंटिस्ट लोगों का जो जीवन के अंदर सेक्रीफाइस होता है उसके कंपैरिजन में अपन कुछ नहीं करते हैं ऐसा मान के चलो ठीक है हाँ चलो एग्जांपल ये अपने किसी काम का नहीं है इसको आप लोग छोड़ सकते हो दिस एग्जांपल कैन बी लेफ्ट यस है ना इस एग्जांपल को छोड़ देना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फोर्सेज बिटवीन मल्टीपल चार्जेस आप लोग पढ़ चुके हो बेटा किस तरह से निकालते हैं मैंने आप लोगों को बताया था ठीक है कि आप चाहे जिसके पास जा सकते हैं एक चार्ज से दूसरे चार्ज के ऊपर जो फोर्स है वो तीसरे चार्ज के आ जाने से कम नहीं होती इसके साथ में भी प्यार मोहब्बत अलग शुरू हो जाती है इसके साथ प्यार मोहब्बत अलग शुरू हो जाती है जैसी अगर दुश्मनी है तो दुश्मनी वैसी रहती है प्यार है तो प्यार वैसा रहता है दोनों को हमेशा मेंटेन करके चलता है यही वाली बात ठीक है ध्यान रखिएगा तो एक कोई बहुत टफ चीज़ें नहीं है ये अपन लोग सब जानते हैं क्योंकि बेटा वेक्टर होती है फोर्स तो पैरलो लॉ जो है वो सब हमारे पास में लगता रहता है ठीक है ये वाली लाइन देख यहां पर भी लिखी है जो बेटा मैंने आप लोगों को बताई थी दोबारा से पढ़ के देख ले जिससे तेरे को जो है वो दिख जाए है ना मैंने ये वाली लाइन यहाँ पर भी आप लोगों को दिखा दिया आओ चलो देखा अरे कहा चले गए आओ ओ लिखने वाले भाई साहब अच्छा इधर करने से आओगे ठीक है भाई साहब यहां करने से क्यों नहीं आ रहे नाराज हो है? नाराज हो गए मुझसे इधर उधर क्यों नहीं हो रहा है हो जाओ भाई ऐसे क्यों नाराज क्यों हो गए मेरे से अभी तो अच्छे खासे चल रहे थे एनी आशा करता हूं ये फॉन्ट आप लोगों को नजर आ रहा होगा ठीक है ये एग्जाम्पल पेज फोर्टीन मेरे काम के नहीं है देख भाई कहां लिखी अब वाली लाइन ढूंढनी पड़ेगी अब मेरे को आकर हम्म mm -hmm. ये इट इज वेरीफाइड फोर्स ऑन चल क्यों नहीं रहा भाई हाँ ah. इट इज़ वेरीफाइड दैट फोर्स ऑन एनी चार्ज यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ऑन द चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेस टेकन वन एट अ टाइम द इंडिविजुअल फोर्सेस आर अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस दिस इज एज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझ गए वही वाली लाइन कट टू और मेरे बीच का जो प्यार उसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे ठीक है hmm. चलो भाई आओ आगे की कहानी जो है उसको देख लेते हैं तुम जाओ आइए देखते हैं टू बेटर अंडरस्टैंड द अ सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस ठीक है ये सब फालतू की बातें हैं इसको आप लोग काट सकते हैं सीधा सीधा विदाउट एनी वरी आप लोग कर चुके हैं बेटा ये सब इसीलिए कटवा रहा हूं तो बहुत ईजी है कुछ है भी नहीं बस फोर्सेज को जोड़ा गया है वैक्टर फॉर्म के अंदर नथिंग हैज बीन डन इसको भी काटो एकदम जोरदार टू टू बिना डरे काट दो यहां से कोई सवाल नहीं बन रहा मैंने आप लोगों को बोल दिया डरना नहीं है मेरे से लड़ने आ जाना अगर सवाल आ जाए तो एनसीईआरटी मेरे काम की नहीं मेरे काम की नहीं वो मांगो नहीं, नहीं नहीं जो काटना है सिर्फ वही काटना है यहाँ से कोई सवाल नहीं बनता जो न्यूमेरिकल बनता है वो मैं करा चुका हूँ ये मत बोलना सर आपने पढ़ाया नहीं ये मैं पढ़ा चुका हूँ तुम लोगों को डिटेल में अच्छे से तुमको पता है इसकी थ्योरी नहीं पूछते आप लोगों से ठीक है हाँ हम्म ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था बेटा क्लास के अंदर क्यू 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 रखने के बाद में सेंटर के ऊपर एक और क्यू रख दिया था उसके ऊपर नेट फोर्स निकाली थी नॉर्मल सवाल ठीक है वैक्टोरियल एडिशन वगैरह करने का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ट्राइंगल वाला याद रखना ट्राइंगल वाला पूछा गया है एनसीआर में तो अपने से भी पूछा जा सकता है ठीक है अगला एग्जाम्पल देख चार्जेस दे रखे क्यू क्यू माइनस क्यू क्या है क्यू क्यू माइनस क्यू इक्विटल ट्राइंगल है वॉट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज तो जो एक के ऊपर लग रही होगी वो सभी के ऊपर उतनी ही फोर्स लग रही होगी डायरेक्शन जो है वो बेटा वेरी करेंगे क्योंकि हर किसी के ऊपर डायरेक्शन जो है वो अलग तरफ लग रहे होंगे तो ध्यान दे भाई इसके ऊपर माइनस क्यू तो इसको पाँच खींचेगा प्लस क्यू जो है वो इसको दूर भगाएगा तो यहाँ नेट फोर्स आ जाएगी इस माइनस क्यू को ये भाई साहब भी अपने पास बुलाएंगे ये भाई साहब भी अपने पास बुलाएंगे तो नेट फोर्स इधर आ जाएगी इस प्लस क्यू को ये भाई साहब दूर भगाएंगे ये माइनस क्यू पास बुलाएंगे तो नेट फोर्स आपकी इधर आ जाएगी तो आपको पता है बेसिकली क्या करना है ठीक है नॉट अ वेरी बिग डील ऐसे क्वेश्चन आपको करने आते हैं और अपन ने खूब सारे किए भी हैं तो इसलिए चिंतित मत होना ठीक है हाँ है ना लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ बच्चों चलो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं है ना हम्म सर कभी फ्री टाइम में आप आइंस्टीन पर वीडियो बनाओ बिल्कुल बनाऊंगा बेटा हाँ हाँ ये तो काम का है इससे पहले वाले जो तो काम के नहीं थे वो सब काट दिया मैंने कंसिडर पॉइंट चार्ज क्यू ये सब तुम लोगों को पता है देखो ये थ्योरी इसीलिए इसको आपको नहीं पढ़नी है ठीक है ये सब मैंने आपको बता दिया था कि मेरे मेरे आसपास रहने वाले लोग जो हैं वो मेरी फील्ड से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं मेरे से उधर रहने वाले इधर रहने वाले मेरे पीछे रहने वाले बगल में रहने वाले वो उसी हिसाब से फील्ड जो है बेटा उसकी बात करता है ठीक है ये सब आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है अपन को सीधे सीधे जो फॉर्मूला है ना बेटा वो याद होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का के क्यूब बाय आर स्क्वायर और आर कैप से भी मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि फोर्स ऑफ एक्टर लिख रहे हैं ठीक है तुम्हें पता है पॉजिटिव चार्जेस से दूर जाती हुई नेगेटिव चार्जेस के अंदर आती हुई खत्म कहानी ये सब बातें पता है बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है इसको काट दो फॉर्मूला तुम लोगों को पता है तो ऐसे कुछ डरने वाली बात नहीं है आगे बढ़ने दो ठीक है अंजी। ओके, ओके। ये फिर से हमारे काम की लाइंस नहीं है इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ये, ये जा द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज क्यू एट अ पॉइंट इन स्पेस में बी डिफाइंड एज द फोर्स दैट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड एक्सपीरियंस इफ प्लेस्ड प्लेस्ड इफ एट दैट पॉइंट ठीक है तो एफ इक्वल टू क्यू ही नहीं लिखते थे अपन लोग इस तरह से कोई चार्ज Q बना दिया अपन ने और यहाँ पर कोई चार्ज था जिसके कारण बेटा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट हो रही थी इस वाली डायरेक्शन में यहाँ कोई क्यू चार्ज था इस क्यू नॉट के ऊपर तो इसके ऊपर फोर्स क्या लिखते थे क्यू नॉट ही लिखते थे ना एफ की वैल्यू क्यू ही लिखते थे ना तो वही वाली जो डेफिनेशन है वो लिखी हुई है तो दो तरह से देखने का एक तरीका है और कुछ नहीं है ठीक है ओके ऑलराइट हम्म हाँ देखो द चार्ज क्यू विच इज प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड सोर्स चार्ज एंड चार्ज क्यू विच टेस्ट द इफेक्ट ऑफ द सोर्स इज कॉल्ड चार्ज मैंने बताया था ना फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज वही वाली चीज है नोट दैट दोर चार्ज क्यू मस्ट रिमेन एट इट्स ऑरिजिनल लोकेशन क्यू को आपको वहीं फिक्स रखना है बेटा क्यू नॉट जो है उसको आप लोग कहीं भी मूव करा सकते हैं कोई दिक्कत वाली नहीं है, है ना बात यहाँ पे हाउ एवर इफ अ चार्ज क्यू इज ब्रॉड एट एनी पॉइंट अराउंड क्यू क्यू इट सेल्फ इज बाउंड टू एक्सपीरियंस एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स क्यू एंड विल टेन टू मूव असली में क्या होता है जैसे एक क्यू रखा अपन ने और क्यू नॉट लेकर आए तो क्यू नॉट के ऊपर अपन ने क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो निकाल ली ठीक है उसके अंदर तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी

ये बात भी ध्यान रखनी होती है ठीक है चलो अवे आउट ऑफ दिस डिफिकल्टी इज टू मेक क्यू नेग्लीजिबली स्मॉल द फोर्स इज एफ स्मॉल इसकी आपको कोई मतलब नहीं है ठीक है इस वाली लाइन को भूल जाओ है ना एफ इक्वल्स टू क्यू ही लिखा हुआ है आप लोग जानते हैं ठीक है हां जी हां जी हां जी इस वाली चीज को छोड़ दो ठीक है यहाँ पर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्या लिखी है देख वेन वी आर कंसिडरिंग द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज क्यू ड्यू टू अ चार्ज प्लेनर शीट

ठीक है क्या सर अभी तो कुछ शुरू नहीं किया मैं थर्टीनथ के अंदर हूँ आप तो अभी इलेवंथ में बेटा बहुत बढ़िया स्थिति में तो आपको बता दूं कि मेरा जो प्लस कोर्स है वो चल रहा है उस प्लस कोर्स के अंदर मैंने एलेवंथ को एकदम जीरो से शुरू किया है मैकेनिक्स के साथ में तो आप उसको अगर ज्वाइन कर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा और प्लस कोर्स पर आने के लिए आप कोड जो है बेटा वो एन एम सर यूज़ कर सकते हैं प्लीज़ गेट कनेक्टेड विद मी ऑन द प्लस कोर्स अदरवाइज़ बेटा यूट्यूब के ऊपर मैंने पूरी इलेवेंथ जो है वो पढ़ा रखी है रोटेशनल तक और अब जो है वो ट्वेल्थ चल रही है ठीक है हाँ नोट दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू क्यू थ्रू डिफाइंड दो डिफाइंड ऑपरेशनली इन टर्म्स ऑफ सम टेस्ट चार्ज क्यू इज इनडिपेंडेंट ऑफ क्यू क्यू पे तो इनडिपेंडेंट है ठीक so, so है दिस इज बिकॉज एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्यू सो द रे बाई डॉट डिपेंड ऑन क्यू ठीक है फालतू की बातें हैं है ना इसमें बस ये वाली चीज पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू दो डिफाइंड ऑपरेशनली इन टर्म्स ऑफ सम टेस्ट चार्ज क्यू इज इनडिपेंडेंट ऑफ क्यू क्योंकि वो तो कटी गया ना कि क्यू बाई आर स्क्वेर तो अपन किसके लिए लिख रहे हैं जो बड़ा क्यू अपन लोगों ने लिया है जिसके इन्फ्लुएंस में छोटे क्यू को लेकर आए हैं और छोटा क्यू थोड़ी ना नजर आता है उसमें दिस इज बिकॉज एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्यू सो द रेशो एफ बाई क्यू डज नॉट डिपेंड ऑन क्यू तो ये ऊपर वाली लाइन जो है वो याद रखनी है इसको मार्क कर लेना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टेस्ट चार्ज के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड जो है वो नहीं करती है इससे ये वाली चीज़ पता लगती है ठीक है हाँ अब देखिए हाँ क्या लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द स्ेस कॉर्डिनेट आर आर के ऊपर डिपेंड करेगी फॉर डिफरेंट पोजिशन ऑफ द चार्ज क्यू ऑल ओवर द स्पे वी गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसको भी अंडरलाइन कर लो ठीक है पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड विल भी डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स अपन लोगों को पता है ऑन द अदर हैंड इफ दोर्स चार्ज इज नेटिव इलेक्ट्रिक फील्डर एट हीच पॉइंट पॉइंट्स इन वर्ड्स ठीक है सिंस द मैग्नेट ऑफ फोर्स एफ ऑन चार्ज क्यू है ना डू टू चार्ज कैपिटल क्यू डिपेंड ऑनली ऑन द डिस्टेंस आर ऑफ द चार्ज क्यू फ्रॉम द चार्ज कैपिटल क्यू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई विल आल्सो डिपेंड ओनली ऑन द डिस्टेंस आर दज इट इक्वल डिस्टेंज फ्रॉम द चार्ज कैपिटल Q, द मैगनीट्यूड ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज सेम मतलब बराबर बराबर डिस्टेंसेज के ऊपर जो बेटा आपके मैग्नीट्यूड होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के वो सब क्या होंगे बेटा बराबर बराबर होंगे ठीक है हाँ तो डोंट वरी अबाउट दिस ठीक है सर टाइम का कुछ पता ही नहीं लगा 2 घंटे निकल गए अच्छा 2 घंटे हो गए क्या अच्छा मेरे को भी पता नहीं लगा हाँ एनी वेज चलो ये तो खुशी की बात है ना बच्चों है ना हाँ चलो आ जाओ हम्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू तो अ पॉइंट चार्ज इज द सेम ऑन द स्फीयर विद अ तो पॉइंट चार्ज एट इट्स सेंटर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है स्फेरिकल सिमेट्री वही हर पॉइंट के ऊपर स्फीयर जो बन जाएगा सबके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आप लोगों को सेम मिलेगी ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस आइए जरा देख लेते हैं ये आप लोगों को नहीं पढ़ना डोंट वरी वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है वेक्टर स्टाइल में ठीक सुपर पोजिशन वाले प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए कोई टेंशन नहीं काटा कुटी मचाओ जल्दी से काटो काटो टिंग टिंग काटने में मजा आता है है ना इज अ इस वेक्टर क्वांटिटी फ्रॉम ठीक कर लो लो बकर मचा लो, वालो, मचा लो हम तो काट देंगे ठीक है चलो आओ फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं इसका किसका बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का ढंग से इस वाले पैराग्राफ को पढ़ना है इट्स एन इंपॉर्टेंट पैराग्राफ सर जी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने ही पढ़ दी पढ़ी ने भी पढ़ी है ये एन उन्हें क्या ज़रूरत है बेटा वो तो मिनिस्टर हैं नेता है नेताओं को पढ़ने की जरूरत थोड़ी ना होती है <laughs> नेता बनने के लिए यू डोंट नीड पढ़ाई ठीक है समझ गया बेटा दो फील्ड ऐसी हैं जिनके अंदर आपको पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है एंड बहुत ही मतलब जिसे बोलते हैं ना बहुत ही बढ़िया फील्ड होती हैं सबसे पहली फील्ड तो है नेता दूसरी फील्ड है अभिनेता ठीक है ना हाँ पर अभिनेता में तो चलो तो भी आजकल बहुत बुद्धि लगने लगी है नेता बनने में कहेगी बुद्धि आजकल तो बस यही करना है जय श्री राम और इधर से कुछ और करना है हो गई चीज़ें अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाती हैं पीपल डू समथिंग लाइक दिस ये सब चीज़ें चलती रहती हैं पार्ट ऑफ लाइफ है देखो ऑल दिस इज़ पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स के कारण ये बट गया वो बट गया ये हो गया पता नहीं क्या क्या हो गया ठीक है सब चलता रहता है अब क्या कर सकते हैं है ना ठीक है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके बारे में बात करेंगे बट हाँ देखो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू कास्ट योर वोट एंड नॉट वोट योर कास्ट ये बात ध्यान रखना ठीक है यू मे वंडर वाय दन मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ बीन इंट्रोड्यूड ठीक है यू मे वंडर वाई दशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ बीन इंट्रोड्यूज हियर एट ऑल आफ्टर ऑल फॉर एनी सिस्टम ऑफ चार्ज इज द मेजरेबल क्वांटिटी इज द फोर्स ऑन ऑफ चार्ज विच कैन बी डायरेक्टली डिटर्माइंड यूजिंग कुलम्स लॉ एंड द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल वाई देन इंट्रोड्यूस दिस इंटरमीजिएट क्वांटिटी कॉल द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कन्नियंट बट नॉट रियलीसरी असली में सोच इलेक्ट्रिक फीडो जरूरी नहीं है ना ठीक है ठीक है असली में है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जरूरी नहीं है कन्वीनियंट है पर बेटा जरूरी नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन एलिगेंट वे ऑफ कैरेक्टराइजिंग द इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट ऑफ अम ऑफ चार्जेज इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस अराउंड दिस्टम ऑफ चार्जेस टेल्स यू द फोर्स यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वुड एक्सपीरियंस इफ प्लेज एट दैट पॉइंट समझ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज अरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज दट यू प्लेस एट अ पॉइंट टू डिटरमाइन दिस फील्ड द टर्म फील्ड इन फिजिक्स जनरली रेफर्स टू अ क्वांटिटी दैट इज डिफाइंड एट एवरी पॉइंट इन स्पेस एंड वे वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड इन सोर्स अ वक्टर क्वांटिटी बस ये मैं पढ़ के सुना रहा हूं बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है ठीक है द ट्रू फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फीडर इमर्जेज ओनली वैन वी गो बियॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड डील विद टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना असली में बेटा जो आप लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हम लोग अगर नेचर की बात करें तो वो कहाँ ज्यादा काम आती है बेटा आप लोगों को हम इलेक्ट्रो से बाहर निकल के जब टाइम डिपेंडेंट फिनोमिनस के बारे में बात करते हैं टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिन की बात करते हैं वहां ये काम आती है समझ गए असली में पता है तुम लोगों को ये प्लैनेट्स वगैरह में ब्लास्ट होता है ये होता है वो होता है इन सब चीजों को जब अपन लोग पढ़ते हैं तब अपने को पता लगता है कि फील्ड जो हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं ठीक है वहीं जाके पता लगता है बहुत बड़ी चीज होती है असली में सपोज वी कंसिडर द फोर्स बिटवीन टू डिस्टेंट चार्जेस इन एक्सेलरेटेड मोशन नाउ द ग्रेटेस्ट स्पीड विद विच अ सिग्नल और इन्फॉर्मेशन कैन गो फ्रॉम वन पॉइंट टू वन इज द स्पीड ऑफ लाइट इफेक्ट ऑफ एनी मोशन ऑफ क्यून एंड है ना कैन नॉट

इलेक्ट्रोमैग्नेटिका तो तुम लोग ये समझ रहे हो ना अभी जो तुम लोग ये सब चीजें देख रहे हो ये सब चीजें लाइव देख रहे हो सब कुछ कर रहे हो इस सबके पीछे हाथ किसका था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवस का तुम मुझे देख पा रहे हो ऐसा कैसा है इन सबके पीछे हाथ किसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवस का समझ गए विच दैन प्रोपोगेट देख द एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज क्यू वन प्रोड्यूस विद द स्पीड सी रीच क्यू टू एंड कॉज अ फोर्स ऑन क्यू टू नोशन ऑफ फील्ड एलिगेंटली अकाउंट फॉर द टाइम डिले ठीक है ना सी से जा रही है टाइम तो लगे दस इवन दो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कैन भी डिटेक्टेड ओनली बाई देआर इफेक्ट जो हमें इफेक्ट्स नजर आते हैं ना उस चीज के उससे ही हम उसे उसको डिटेक्ट कर सकते हैं ठीक है ओनली बाय दे इफेक्ट्स ऑन चार्जेस दे आर रिगार्डेड एज फिजिकल एंटिटीज भाई अगर चार्ज मौजूद नहीं होगा तो मेरे ऊपर कोई फील्ड नहीं होगी ऐसे ही अगर कोई नॉर्थ पोल नहीं होगा तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल के ऊपर इफेक्ट जो है वो अपने को नहीं दिखेंगे समझ रहे हो ना पर तो भी इनको अपन लोग फिजिकल एंटिटीज बोलते हैं नॉट मेयरली मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट ठीक है हाँ इनको सिर्फ समझने के लिए नहीं बनाया गया है रियल में दे आर फिजिकल क्वांटिटीज रियल में दे आर फिजिकल एंटिटीज ठीक है जी हाँ दे हैव एन इंडिपेंडेंट डायनामिक्स ऑफ देयर ओन पूरी पूरी खुद की डायनामिक्स चलती है भाई साहब बहुत जबरदस्त लेकिन ऑल्सो ट्रांसपोर्ट एनर्जी दर्ज अक्ट्रिक फील्ड तो एनर्जी लेकर जाती है मैंने आप लोगों को बताया था कंडक्टर के अंदर कंडक्टर के बाहर ठीक है नॉन कंडक्टिंग के अंदर निकाला था लोगों ने और कंडक्टर के बाहर भी निकाला था लेकिन ऑल्सो ट्रांसपोर्ट एनर्जी इज अ सोर्स ऑफ टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड टर्न ऑन ब्रीफली एंड फिज्ड ऑफ लीवस बिहान प्रोपेगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स ट्रांसपोर्टिंग एनर्जी द कंसेप्ट ऑफ फील्ड वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाई फेराडे एंड इज नाउ अमंग द सेंट्रल कन्सेप्ट इन फिजिक्स बहुत ही जबरदस्त बहुत ही जबरदस्त बात हाँ फेराडे यस तो दिस इज द ब्यूटी गाइस दिस इज द ब्यूटी मैं तो ऐसी चीज़ें पढ़ता हूं ना मेरे को तो खुशी होने लग जाती है मैं तो मतलब और एनर्जी आ जाती है कि और दो चार घंटे पढ़ा लो डर <laughs> <दर> गए <गे। laughs> और दो चार घंटे पढ़ा लो कैसी बातें कर रहे हो सर जी मेरे को तो आज पता लगा हमारे अर्थ पर डोरेमोन भी है भाई मारो मुझे मारो ठीक <laughs> है अच्छा असली में पता है वो जो हबल टेलीस्कोप के बारे में मैं तुम्हें बता रहा था ना तो इवन जो हबल टेलीस्कोप है पता है वो फोटो कभी कलर्ड फोटो थोड़ी ना लेती है वो जो तुम नासा की वेबसाइट के ऊपर तुमने मान लो कोई फोटो देखा रंगीन रंगीन सी गैलेक्सी नेबुला वगैरह आप लोगों को नज़र आता है गैस के क्लाउड्स नज़र आते हैं आपको अलग अलग तरह के दुनिया भर के तो वो सब चीज़ें जो हैं वो असली में हबल ने ऐसी फ़ोटो नहीं ली होती है हबल तो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो भेजती है बेटा अर्थ के ऊपर हाँ हबल जो है वो क्या करती है ब्लैक एंड वाइट फोटो भेज रही होती है अर्थ के ऊपर ठीक है हाँ हबल ने भेजी ब्लैक एंड वाइट फोटो फिर उसको एक कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीजन को ब्लू से ठीक है नाइट्रोजन को अलग से हाइड्रोजन को अलग से और उसके बाद में आपको जो इमेज दिखाते हैं वो आपको नजर आती है तो भाई बहुत खतरनाक चीजें हो रही हैं दुनिया में तुम्हें पता नहीं है है ना हबल ने एक ऐसी फोटो ले रखी है जिसके अंदर एक गैस का क्लाउड है जो गैस का क्लाउड ही चार लाइट ईयर लंबा है एक ऐसा गैस का क्लाउड है विच इज फोर लाइट ईयर लंबा सोच चार लाइट ईयर एक लाइट ईयर क्या होता है लाइट जितना एक साल के अंदर ट्रेवल करती है उतनी डिस्टेंस और लाइट एक सेकंड में तीन लाख किलोमीटर चलती है तो तू सोच चार लाइट ईयर लंबा एक क्लाउड है साइंस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इसीलिए तो बोलते हैं कि रियालिटी इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन रियालिटी इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन हा बेटा चार ईयर लंबा सिर्फ एक बादल है किसी किसी बातें कर रहे हो सर हाँ और पता है वो कितना दूर है और पता है वो कितना दूर का फोटो लिया पैंसठ हजार लाइट ईयर दूर <laughs> वो जो उसकी डिस्टेंस अर्थ से बता रहा हूं मैं सिक्सटी फाइव थाउजेंड लाइट ईयर अवे हाँ ठीक है हां जी और बात करेंगे कभी हबल के बारे में बहुत बढ़िया है यार हबल टेलीस्कोप का कोई मुकाबला थोड़ी है ऐसे ही थोड़ी ना हबल टेलीस्कोप बना बनाने ठीक है चलो आप तो इस वाले क्वेश्चंस को देख लो दल्दी को देखे, देखे। आ जाओ बेटा जल्दी से इस क्वेश्चन को देखा देखिए देखिये एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फॉल डिस्टेंस ऑफ वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड की न्यूटन पर कूलम डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स कीपिंग इट्स मैग्नीटूड एंड चेंज एंड प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी तो तो एक तो अपन ने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा एक अपन ने प्रोटॉन को छोड़ा तो देख प्रोटॉन को छोड़ेगा तो वो तो इसी डायरेक्शन में गिर जाएगा है ना इसका तो एम जी जो है बेटा वो भी नीचे लग जाएगा और इसका जो क्यू है बेटा वो भी नीचे लग जाएगा ठीक है इसके साथ क्या होगा इसका एम जी तो नीचे लगेगा और इसके ऊपर क्यू ही ऑपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा इलेक्ट्रॉन अच्छा अच्छा इसमें फील्ड नीचे है इसमें फील्ड ऊपर है फील्ड अगर बेटा आप लोगों की ऊपर है पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहा है ना तो फील्ड अगर ऊपर है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स जो है वो नीचे ही लगेगा क्यों ही भी जो है वो नीचे लगेगा क्योंकि फील्ड ऊपर दे रखी है ठीक है हाँ अब इस वाली सिचुएशन को कंसिडर कर ले सेम ही आ जाएगा ठीक है हाँ देख ले तेरे सामने ही तो है मैं थोड़ी ना अपनी तरफ से थोड़ी ना बना रहा हूँ ये फिर अटक गया भाई साहब अले अले अले, अले, अले ले, ले। हाँ क्यों अटक जाता है भाई तू ठीक है चलो आओ अरे फिर नहीं जा रहा चलो अभी चल जाएगा ठीक है नाराज मत हो ठीक है हाँ वही वही लिखा हुआ है देख अंडर रूट टू जी मतलब टू एच बाई जी और जी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा ई यहाँ पर अपने को ग्रेविटेशनल फील्ड से फ्री लेनी है स्पेस जो लेनी है यहाँ पर जो आप लोगों को स्पेस लेनी है वो ग्रेविटी फ्री स्पेस लेनी है तो एम जी एम जी की जो है वो बात ही नहीं करनी डायरेक्टली इसको जो है वो अपने को सॉल्व करना है ठीक है तो अंडर रूट टू एच बाई जी और बेटा जी की जगह पर आप लोग क्या लिख दोगे जी इफेक्टिव यहां पर बेटा जी की जगह पर क्या आ जाएगा आपका क्यू जो नेट फोर्स है वो नीचे आ जाएगी उसके कारण जो एक्सेलरेशन है वो कितना है बेटा क्यू ई एम एक्सेलरेशन कितना है बेटा आपका क्यू ई एम उसकी वैल्यू पुट कर लो ठीक है यूट्यूब चैट सेक्शन से लेकर नासा तक सब तरक्की पर है लेकिन दोनों का सिग्निफिकेंस अलग है थ्रू रिस्पेक्ट ठीक <laughs> है ये हो गया हमारे पास चलो भैया अब अब अपने आप सही हो रहा था पता नहीं क्या होता है इसको बीच बीच में नाराज होता रहता है मेरे से ठीक है हाँ पॉइंट चार्जेस दिए होगा बेटा आप लोगों को है ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पॉइंट्स के ऊपर अलग अलग ए पॉइंट दे रखा है या बी पॉइंट दे रखा है सी पॉइंट दे रखा है आपको पता है क्या करना है ये मेरे को कराने की जरूरत नहीं है यू हैव डन इट बिफोर इस तरह के खूब सारे क्वेश्चन किए हैं यू डोंट नीड टू डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन इन लोगों ने बहुत भयंकर रूप से इनको लंबा लंबा कर करके बता रखा है तो आप लोग उसकी चिंता जो है वो नहीं करेंगे ठीक है चलो तो एक काम करते हैं आज वाले सेशन को बेटा हम लोग यहीं खत्म कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो अपन लोग कल पढ़ लेंगे ठीक है हाँ इस वाले सेक्शन को तो अपन लोग बेटा यहीं ख़त्म कर लेते हैं और जो बचा हुआ सेक्शन है ना अपना उसको अपन लोग कल वाली क्लास में कर लेंगे तो आप लोग उसकी बिल्कुल भी चिंता जो है वो ना करें ठीक है ना हाँ विल डू इट फॉर श्योर तो कल अपन लोग इस वाली क्लास को कंटिन्यू करेंगे डी कोड एन सी आर टी का सेकेंड पार्ट ठीक है हाँ डी कोड एन सी आर टी पार्ट टू आज अपना पार्ट वन हो गया ठीक है हाँ द पार्ट टू ऑफ इट समझे बच्चों जरूरी है यार अब इसकी NCRT बड़ी है तो मैं भी क्या करूं तो मेरे हिसाब से तो संडे को भी करना पड़ेगा अपने को ठीक है हा मतलब संडे को भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो पीवाई क्यू वगैरह ना वो सब करने पड़ेंगे जहां तक मुझे लग रहा है है ना तो वील डू इट ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और हाँ जल्दी से इट इज हाई टाइम दैट यू शुड डू इट बिकॉज मेरे बेटा दो बहुत ही जबरदस्त कोर्सेज जो हैं वो प्लस के ऊपर लॉन्च हुए हैं इन वाले कोर्सेज के अंदर बेटा कैपेसिटर और मैग्नेटिज्म इस महीने जो आपके कंप्लीट कराए जाएंगे उनकी बात कर रहा हूँ और साथ ही बेटा कंप्लीट फिजिक्स के अंदर मैकेनिक्स फॉर नीट ट्वेंटी एंड ट्वेंटी भी आप लोगों का जो है वो शुरू कर दिया गया है जिसके अंदर क्विजेज़ और लेक्चर्स सब कुछ इंक्लूडेड हैं सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट आप लोगों के टेस्ट वगैरह सब यहाँ होते रहेंगे प्लीज डोंट वरी आप लोगों के लिए सारे कोर्सेज जो है वो चल रहे हैं इस कोर्स के अंदर वो वाले बच्चे एनरोल करें जो बच्चे बेटा सोच रहे हैं कि इलेवेंथ बर्बाद हो गई है ठीक है अब हमारा क्या होगा ध्यान रखें बर्बाद वाले बच्चे सभी इस वाले कोर्स के अंदर एनरोल कर लें अगर ट्वेल्थ में हो और सीरियस हो नीट के लिए और थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन जो भी आप लोग क्लास में हो उन सब के लिए ये वाला जो बैच है दिस बैच इज गोइंग टू बी द संजीवनी बोटी मैं फिर बता रहा हूं हाँ तो इस वाले बैच को बेटा जरूर से आप लोग ज्वाइन करें और मेरे साथ में जुड़ जाइए ठीक है साथ ही एक चीज़ और बेटा मेरे को आप लोगों को बतानी थी मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का जो अनकेडमी कॉम्बैट है ना बेटा आपका जो अनकेडमी कॉम्बैट है अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो उसका भी जो सिलेबस है बेटा वो अनाउंस हो चुका है तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अनएकेडमी कॉम्बैट की जो स्थिति है वो क्या है बेटा अनएकेडमी कॉम्बैट की स्थिति ये है बच्चों के अकेडमी कॉम्बैट की स्थिति आप लोगों को बता देता हूं मैं ठीक है कॉम्बैट जो है बेटा इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या होगा और क्या क्या देखने को मिलने वाला है अन अकेडमी कॉम्बैट के अंदर बेटा आप लोगों को एक महीने का सब्सक्रिप्शन जो है वो आपकी बार हम लोग फ्री देने वाले हैं टॉप थ्री रैंक्स को ठीक है और फोर से लेके फिफ्टी रैंक तक के जितने भी बच्चे हैं उनको हजार रुपए का जो अमेजोन वाउचर है वो मिलेगा दस जनवरी बेटा इसकी डेट है तो टेंथ ऑफ जनवरी अपने कैलेंडर्स के अंदर नोट करके लिख लीजिए और जब भी आप इसके अंदर बेटा रजिस्टर करें और एनरोल करें तो आप लोग कोड यूज करेंगे बच्चों एन सर ठीक है इसका सिलेबस मैं आप लोगों को बता देता हूँ है ना ध्यान रखिएगा इसका जो सिलेबस है बेटा आप लोगों को भाई व्हाट व्हाट डू यू गेट व्हेन यू डू इट तो वन मंथ ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड एवरीथिंग फ्री रजिस्ट्रेशन है और दस तारीख को है बेटा ग्यारह बजे ठीक है ये देखिए इसका सिलेबस है बेटा इस बार का राइट आपके इलेवेंथ क्लास के जो बच्चे हैं उनका टेस्ट अलग ट्वेल्थ वालों का अलग थर्टींथ वालों का अलग है ठीक है हाँ इधर देख ले इलेवंथ में जूलॉजी बायोमोलिक्यूल्स एनिमल किंगडम मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आपका आ रहा है फिर इसमें रोटेशनल सेंटर ऑफ मास लीनियर सब कुछ पढ़ा चुका हूँ तेरे काम का अपियर हो जाना सब कुछ पढ़ाया हुआ है मोमेंटम कोर्स जाके देख लेना इसी चैनल के ऊपर यू विल फाइंड इट केमिस्ट्री में बेसिक प्रिंसिपल्स बॉन्डिंग और जनरल टॉपिक्स और ऑफ मोल कॉन्सेप्ट ठीक है ट्वेल्थ के अंदर बायोमोलिक्यूल्स एनिमल किंगडम इनहेरिटेंस एंड वेरियंट्स है ना इनहेरिटेंस एंड वेरियंट्स आएगा बेटा बॉटनी वाले पार्ट में ठीक है इधर अगर अपन बात करें तो इसमें ए सी और ई एम आई ठीक है ऑब्वियसली ये अभी नहीं पढ़ाया है क्योंकि अभी तो इलेक्ट्रो चल रहा है तो अपने हिसाब से इसको देख लेना प्लस के ऊपर पढ़ा चुका हूँ एक बार चाहो तो वहाँ पर देख सकते हो ठीक है पी ब्लॉक सॉलिड स्टेट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ठीक है ना ये आपके केमिस्ट्री का सिलेबस है थर्टीन के बायो की अगर बात करें तो बायो मॉलिक्यूल्स एनिमल किंगडम जेनेटिक्स इनहेरिटेंस मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ये आप लोगों के टॉपिक्स हैं ठीक है मेरे बच्चों है ना इन टॉपिक्स के अलावा जब हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल रोटेशनल सेंटर ऑफ मास एंड लीनियर मोमेंटम सब कुछ पढ़ा चुका हूं यूट्यूब के ऊपर एक बार देख लेना एवरीथिंग इज अवेलेबल और केमिस्ट्री की बात करूं तो बेटा बेसिक प्रिंसिपल्स एज ब्लॉक हाइड्रोजन एटॉमिक स्ट्रक्चर और सरफेस केमिस्ट्री आप लोगों के लिए अवेलेबल है जस्ट बी देयर डोंट वरी एट ऑल ठीक है क्लासेस करो और मस्त रहो ठीक है सर के फाइनल है कॉम्बैट नहीं फाइनल थोड़ी है फिर पंद्रह दिन के बाद हो जाएगा कॉम्बैट तो चलता रहेगा तो एलेवेंथ क्लास ग्यारह बजे से सवा बारह बजे तक ट्वेल्थ क्लास ग्यारह से सवा बारह थर्टीन का भी टाइम सेम है चार राउंड बेटा सात सात सवालों के इसके अंदर अपने आप को एनरोल कर लो ठीक है पचहत्तर मिनट का टेस्ट जो आप लोगों को बहुत सारा फायदा जो है बेटा वो करा सकता है ठीक है अगर आप लोग इसका फ़ायदा उठा लें तो बेटा ये तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी ठीक है तो वंस डन देर इज़ नो टर्निंग बैक बहुत ही बढ़िया चीज़ है अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि यार ये तो बहुत बढ़िया सा एग्ज़ाम जो था हम लोगों ने अभी अभी दिया है और राइट गाइज तो आशा करता हूँ कि आपको सभी बातें जो हैं जो आज हमने की हैं ये सब बात बातें बेटा समझ में आई होंगी सेशन को बेटा ज़रूर से आप लोग लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सकें आप लोगों के साथ में ठीक है अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लेना इस सेशन को जिससे कि सभी लोग जो है वो इसका फायदा उठा सकें ऑल राइट गाइस चलो तो मिलते हैं कल इसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे पार्ट टू ऑल राइट एवरीवन एवरी वन चलिए बाय सी यू टेक केयर सायो एंड जय हिंद बच्चों